ओके गाइस, तो अब आप आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। अब हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का क्यूमुलेटिवली मेगा रिकैप करने वाले हैं। कहानी अब तक जितनी हो चुकी है पूरी तरीके से सुनाने वाले हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है कहीं ना कहीं 2 घंटे के अंदर कॉम्प्रेस कर रहे हैं हर चैप्टर को पैचेस में रिकॉर्ड करके। तो आइए जी शुरू करते हैं डिमांड एनालिसिस। सर, डिमांड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला है विलिंगनेस, विलिंगनेस मींस डिजायर, और दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी यानी आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज विलिंगनेस टू यूज दोस रिसोर्सेस, यानी कि भैया तुम्हारे पास रिसोर्स है पर इसको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस भी चाहिए साथ ही साथ रिसोर्सेस भी चाहिए एंड विलिंगनेस टू यूज दोस रिसोर्सेस भी चाहिए। डिमांड इज एक्सप्रेस एट सर्टन प्राइस प्लेस एंड टाइम, ठीक है। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज एक्सप्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर। टाइप ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, किसी की इंडिविजुअल की डिमांड। मार्केट डिमांड यानी कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स की क्यूमुलेटिव डिमांड इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड इज द सबसेट, सॉरी उसका हिस्सा है सबसेट ऑफ मार्केट डिमांड। प्राइस डिमांड मींस डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। इनकम डिमांड मींस डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है सर, आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। बाकी जनरली इनकम के साथ डिमांड पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन इसके सर्टन एक्सेप्शन भी हैं सर, जैसे गिफन गुड्स होते हैं, वेबलिन गुड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड यानी किसी और कमोडिटी पे, किसी और कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के कारण मेरे मेन प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इंपैक्ट है, इसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है शॉर्ट रन डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड यानी कि जिसका इमीडिएट रिएक्शन दिखता है। लॉन्ग रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड जिसका लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम पे इंपैक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल कोरोना, कोरोना है, इसका इंपैक्ट कब दिखेगा सर, लॉन्ग टर्म में दिखेगा। शॉर्ट रन में कैसा दिखता है सर, शॉर्ट रन के अंदर समझो कैसा हो गया, सडनली लोगों ने, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया सैनिटाइजर इज कंपलसरी, मास्क इज कंपलसरी, एसओपीज फॉलो करने के लिए शील्ड भी पहन के आना पड़ेगा, तो सडनली शॉर्ट टर्म में इसका डिमांड इंपैक्ट आ जाएगा। देन वी स्टडी कंपनी डिमांड, मींस एक कंपनी की डिमांड। देन इंडस्ट्री डिमांड यानी कि सारी की सारी कंपनी, सारी की सारी फर्म्स की क्यूमुलेटिव डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड मींस द डिमांड विच इज डिराइव फ्रॉम अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो कैलकुलेटर बाय करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर की डिमांड क्यों है सर, मेन पेरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पेरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है आपकी डिराइव डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड मीन डिमांड ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली, मेरे मन को भाया मैं ये लेकर आया। प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आते कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी, जिसको आप फाइनली कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, इसे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसके अंदर ड्यूरेबल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, और नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है, पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ रहा है तो भैया इसकी डिमांड कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस के साथ। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है मेन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। इनकम, इनकम के केस में हमने क्या बोला, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेसेसिटीज के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है बेटा तो नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि नेसेसिटीज तो भैया वैसे ही आप लोग इनकम इनइलास्टिक रहता है, नेसेसिटीज इज इनकम इनइलास्टिक। आपकी इनकम कम होने दो, ज्यादा होने दो, कुछ भी होने दो, उससे आपकी नेसेसिटीज की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा इंफीरियर गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती जाती है, पर इसका एक एक्सेप्शन आते हैं सर, सर गिफन गुड्स के केस में देते हैं। गिफन गुड्स के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अभी इनकम और गिफन गुड्स का कंपैरिजन हो रहा है, प्राइस और गिफन गुड्स का नहीं, इनकम की बात करते हैं सर। इनकम देखिए, अभी आपकी इनकम बढ़ रही है गिफन गुड्स आप नहीं लेंगे, आपकी इनकम कम हो रही है तो आप गिफन गुड्स लेंगे। बेटा आपकी इनकम कम हो रही है और गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ भी रहा है ना, तो भी गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। मैंने आपको इसका बहुत एक सटीक एग्जांपल दिया था। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो चीज कॉमन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में है, फैशन में है, वो चीज ज्यादा सराही जाती है, डिमांड उस चीज की ज्यादा जाती है। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा सर, बैंड वैगन इफेक्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि सर दूसरे को देख के तुम्हारे अंदर अगर इच्छा जाग जाती है उस कमोडिटी को बाय करने की, तो बैंड वैगन इफेक्ट के कारण भी डिमांड क्रिएट होती है।
फिर इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल सामने वाले बंदे ने भी वो कमोडिटी यूज करना चालू कर दिया है, तो उसको देखकर अगर मेरे अंदर खरीदने की इच्छा हुई तो इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट। पर उसको देखकर मेरे अंदर उस कमोडिटी को परचेस करने की इच्छा खत्म हो गई, डिमांड कम हुई, तो उसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। समटाइम रिच पीपल टोटली स्टॉप कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज इट इज यूज बाय अनदर पीपल, तो इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। फिर बात करते हैं वेबलेन इफेक्ट की। वेबलेन इफेक्ट यानी स्टेटस सीकिंग, ये सर वेबलेन ने ढूंढ के निकाला था। इन्होंने इसके अंदर बोला है कि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर मोर वैल्यू अटैच्ड है तो लोग इसको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये होता है, जब हम पेन ड्राइव का प्राइस बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है सर ने कुछ तो भी और ज्यादा भारी करवाया इसके अंदर, तो इसको बोला जाता है वेबलेन इफेक्ट। पॉपुलेशन पे बात करते हैं बेटा, हायर द पॉपुलेशन हायर विल बी द डिमांड। देन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंडेंट है। अगर तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो भैया ब्यूटी प्रोडक्ट और तुम्हारे एरिया में सारे के सारे मर्द रहते हैं तो भैया क्या खरीदेंगे वो ब्यूटी प्रोडक्ट? तुम हॉस्टल एरिया में बॉयज हॉस्टल के पास तुम ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई खरीदेगा क्या? अब किसी को लड़की बनने का शौक है तो भाई वो हमको नहीं पता। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो भैया लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा, इनकम जितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिमांड उतनी ज्यादा, इनकम जितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिमांड उतनी कम। कंज्यूमर को क्रेडिट उधारी की फैसिलिटी मिले या फिर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाए तो ज्यादा डिमांड क्रिएट करता है, पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिले और इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है डिमांड कम कर देता है। देन वी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट सेट्रस पेरिबस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। व्हाट आर द अदर थिंग्स? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्रेडिट, पॉपुलेशन, all these factors needs to be kept constant. Aye, sir? Then this is the demand curve. Demand curve is a downward sloping curve. It is negative slope. It is moving from left to right. Also, मार्केट डिमांड कर्व इज द लैटरल समिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये चीज याद रखिएगा, रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है? सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सटीक एग्जांपल दिया है, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। सो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये चीज हमको पता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बेटा, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम कम डिमांड कम। देन अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, कई बार मार्केट में नए कंज्यूमर आ जाते हैं इसलिए भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। एक और चीज होती है बेटा, कई बार ऐसा होता है जब कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। पहले मैं आईफोन खरीदने योग्य नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब दो घटनाएं हो सकती है, या तो मेरी इनकम बढ़ जाए और मैं आईफोन खरीदने के योग्य हो जाऊं। समझो ये आईफोन का प्राइस है, मेरी इनकम इतनी है, ठीक है, मेरी इनकम इतनी नहीं कि मैं आईफोन खरीद पाऊं। तो भैया ऐसा भी हो सकता है, या तो मेरी इनकम बढ़ जाए और मैं आईफोन परचेस कर लूं, या तो आईफोन का प्राइस कम हो जाए और वो मेरे बजट में आ जाए। इसको बोला जाता है अराइवल ऑफ कंज्यूमर, कि पहले कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूमर की पहुंच के बाहर था तो अब वो प्रोडक्ट उसकी पहुंच में आ जाए। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजर्स, ये आप लोगों को पता है अगर कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स होते हैं उसके बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड डिटरमाइन होता है। एक्सेप्शन से साहब इसके कुछ, पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तो लोगों को लगता है इसके अंदर कुछ तो भी भारी की चीज़ होने वाली है तो भैया वो ज़्यादा उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो हायर प्राइस पे ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है। देन वी स्टडीड गीफन गुड्स। बेटा गीफन गुड्स एक ऐसे इन्फीरियर गुड्स है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, उसका प्राइस बढ़ता भी है तो भी आपको उसको परचेस करना पड़ता है, क्योंकि सर गीफन गुड जो था बाजरा, उसका ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट क्या है? मीट। अगर मान लो बाजरा 20 रुपए किलो से 22 रुपए 25 रुपए किलो भी होता है, तुम्हारी इनकम कम है तो भी इसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी तुम्हें इसे ही कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अरे मीट का प्राइस तुम्हारे वैसे भी बजट के बाहर है सर, वो वैसे भी 200 है, तो 20 का 25 होगा तो भी तुम्हें इसे ही खाना पड़ेगा, सर आप मीट नहीं ले सकते, तो गीफन गुड इज एन एक्सेप्शन। देन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, सर दूसरों का देखा देखिए आपके अंदर अगर इच्छा जाग जाती है तो आप हायर प्राइस पे भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं, तो कल प्राइस कम था, परसों भी प्राइस कम था, आज प्राइस ज्यादा है, तो भी आप आज परचेस कर लेंगे, ज्यादा प्राइस पे आप आज परचेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हो सकता है। देन इरेशनल कंज्यूमर, बावला कंज्यूमर, उसको ऐसा लगता है कि भैया नहीं अपने को महंगाई खरीदना है। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, सर नेसेसिटीज के केस में प्राइस कितना भी बढ़ रहे तो आप उसको परचेस करेंगे। अगर आपके घर पर कोई बीमार है तो भैया मेडिसिन 1 रुपए की आ रही हो या 100 रुपए की आ रही हो, आप उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इग्नोरेंट कंज्यूमर यानी जिसको मार्केट के बारे में काहीच माहित नहीं, त्याला मार्केट का काहीच कळत नहीं, जिसको मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं है,
सर स्पेक्युलेटिव गुड, स्पेक्युलेटिव गुड यानी कि आपको लगता है इसको देखकर कि भैया फ्यूचर में इसका प्राइस जोर से बढ़ेगा या तो कम होगा, उस केस में भी एक्सेप्शन दिखाता है। देन वी स्टडी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। तो भैया प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट है, प्राइस चेंज होने के कारण अगर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो इसको बोला जाता है एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा बच्चा ये गलती करता है, सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, तो भैया सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, इसका प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अगर इसका प्राइस चेंज होगा, मेन गुड का ही प्राइस चेंज होगा, तो ही हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन लेंगे। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस अलोंग द सेम डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। देन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो सर इस मेन प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के और कोई भी फैक्टर चेंज होने दो, उसके कारण डिमांड में इंपैक्ट आ रहा है, तो उसको बोला जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज के केस में देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट को बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। सेम गोज फॉर आपका सप्लाई में, वहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई। नाउ देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? सर हमको ये पता है कि प्राइस चेंज करने से डिमांड चेंज हो जाती है, पर कितना चेंज होता है ये नहीं पता है, तो इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। या तो प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड चेंज हो रही है, तो इसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम चेंज होने के कारण डिमांड चेंज हो रही है, तो इसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी। अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने के कारण मेन गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। एंड सिमिलरली देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ देयर आर 5 मेथड्स गिवन। द फर्स्ट मेथड इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज मेथड। द मेथड इज वेरी सिंपल, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मेथड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बेटा अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर हम आर्क से निकाल रहे हैं आंसर और आर्क के हिसाब से आंसर आ रहा है 0.8। मेरे से कल ही किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर मैं आर्क के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूं, आंसर आ रहा है 0.8, मुझे 0.8 कहीं नहीं दिख रहा, मैं नन ऑफ दी अबव सिलेक्ट करता हूं। बेटा भूल कर भी ये मत गलती करना, मैं आपको बता चुका हूं, अगर एक मेथड से आंसर नहीं आ रहा तो आपको दूसरा मेथड यूज करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड। आप ऐसा नहीं कह सकते एक मेथड से आंसर नहीं आ रहा तो भैया मैं नन ऑफ द अबव करूंगा। दोनों मेथड से चेक करोगे, जो तुम्हारा मैच कर जाएगा वो आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरा आता है बेटा डेरिवेटिव मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर जब चेंज बहुत ज्यादा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल छोटा चेंज रहता है, इसका फॉर्मूला है -dQp डिवाइडेड बाय dpq। फिर इसके बाद आता है बेटा एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कंडीशन चाहिए क्या? अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस। फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जब पॉइंट यहां पर रहता है तो इलास्टिसिटी जीरो रहती है, जब पॉइंट यहां पर रहता है तो फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जब पॉइंट समझो यहां पर है तो लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर, अपर सेगमेंट इज बिगर, इलास्टिसिटी लेस देन 1। यहां पर अगर रहेगा तो लोअर और अपर इक्वल है, इलास्टिसिटी 1। यहां पर रहेगा तो लोअर सेगमेंट इज बिगर, अपर सेगमेंट इज स्मॉलर, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और यहां पर इनफाइनाइट आता है। फिर बेटा आता है आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या करना पड़ता है? ये मेथड तभी यूज कर सकते हैं जब चेंज बहुत ज्यादा हो। क्या बोला मैंने बेटा? चेंज जब बहुत ही ज्यादा हो तब आप आर्क मेथड यूज करते हैं। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है? सर Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2। तो भैया एग्जाम में अगर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको ये और प्रोपोर्शनेट चेक करके देखना है, जो सही रहा वो आपको सिलेक्ट करना है। और अगर मान लो दोनों मेथड मैच कर रहे तो आपकी किस्मत फूटी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जय माता दी करके भगवान का नाम लेके कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर देना। फिर आते हैं सर टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। ये मेथड की लिमिटेशन ये है कि सर ये इलास्टिक या इनइलास्टिक है बता देगा, लेकिन कितना इलास्टिक कितना इनइलास्टिक उसका कोएफिशिएंट क्या है, वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकली फाइंड नहीं करके देगा। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। सर अगर प्राइस, क्या बोला मैंने? प्राइस। सर अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी नहीं, सर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, यानी प्राइस भी बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस भी कम टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, या फिर प्राइस गिर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर इन दोनों का मूवमेंट विपरीत डायरेक्शन में, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, रेगुलर लेक्चर में मैंने समझाया अच्छे से। और सर इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी 1 होगा अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस में कुछ भी होने दो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है।
फिर इसके बाद बेटा अपन ने ये सारी चीज़ें तो देख ली, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए था। उसके बाद आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। जनरली इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहती है, यानी इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ती है, इनकम कम डिमांड कम। पर सर नॉर्मल और लग्जूरियस गुड्स के केस में होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में उल्टा, इनकम बढ़ी डिमांड कम, इनकम कम डिमांड बढ़ जाती है, ये याद रखना है। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी यानी आपकी इनकम कितनी भी चेंज होने दो सर आपको खर्चा उतना ही लगने वाला है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सॉल्ट के केस में बेटा अंबानी भी उतना ही नमक खाता होगा जितना वो पहले गरीब था या उसके पास पैसा कम था, और आज जितना अमीर हो गया नमक तो सेम ही खा रहा होगा वो। तो सर आपकी इनकम चेंज होने दो, और आपकी अगर डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आता तो उसको बोला जाता है इनकम इन इलास्टिक या फिर जीरो। सर इसका कोएफिशिएंट आएगा ऐसा, इसका ग्राफ आएगा ऐसा, कोएफिशिएंट आएगा जीरो। नेगेटिव के केस में सर आएगा ऐसा, यानी आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड इतनी, इनकम कम तो डिमांड ज़्यादा, इन्फीरियर गुड्स के केस में, और सुपीरियर गुड्स और लग्जूरियस गुड्स और नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड फ्लोपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने के कारण मेरी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आता है। अगर अपन सब्सिट्यूट गुड्स की बात करें सर, टी का प्राइस बढ़ गया कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, टी का प्राइस कम कॉफी की डिमांड कम, कैसा रिश्ता सर, जायज, ग्रेटर देन वन। फिर नेगेटिव सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल का रेट बढ़ा कार की डिमांड कम, पेट्रोल का रेट कम कार की डिमांड ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशनशिप, ये रिश्ता जायज नहीं नाजायज है। और सर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो, यानी कि सर नमक और कैलकुलेटर का रिलेशनशिप, बिल्कुल ये नहीं बोलना कि सर मैंने उस दिन जो आपको एग्जांपल दिया था सर अगर आपने नमक नहीं खाया तो आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं जाएगा, आयोडीन नहीं गया तो दिमाग नहीं आएगा, दिमाग नहीं आएगा तो आपको कैलकुलेटर की क्या जरूरत, ऐसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश मत करना। ऐसे तो तुम बोलोगे नमक और कॉस्मेटिक का भी रिलेशनशिप है, सर आप बोलेंगे नमक और कॉस्मेटिक का रिलेशनशिप ऐसे आएगा, तुम बोलोगे सर नमक नहीं खाया, नमक नहीं खाया तो दिमाग नहीं चला, दिमाग नहीं चला बॉडी की केयर नहीं ली, बॉडी की केयर नहीं ली तो उसकी केयर लेने के लिए कॉस्मेटिक्स लगाना पड़ा, ऐसा बोला खटाक से मारूंगा यहाँ से, फ्लाइंग फ्लाइंग रिमोट जाएगा यहाँ से तुमको, ऐसा वर्चुअली, ऐसा नहीं बोलना, कुछ नालायक बोल चुके हैं। आइए सर सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट में हम गए थे, मेथड ऑफ सर्वे ऑफ, मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। पहला है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, बायर के इंटेंशन को पता करो, इसमें तीन आते थे, कंप्लीट इन्यूमरेशन, सबके सब जितने भी तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर है सबके सबसे तुम डिमांड का एनालिसिस करवा लो। दूसरा है सैंपल सर्वे मेथड, थोड़े लोगों से ही पता करो और अज्यूम कर लो कि बाकी के लोग भी सेम आंसर देंगे। नेक्स्ट है एंड यूज मेथड, एंड यूज मेथड तभी यूज करते हैं जब आप एज ए इनपुट बेच रहे हो, आप मशीनरी वगैरह बेच रहे हो, एंड यूजर कस्टमर को नहीं देते हैं। देन कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, सेल्समैन को सारे चारों तरफ सारी दिशाओं में दौड़ाते हैं, उनसे कलेक्टिव ओपिनियन लेते हैं, इसको ग्रास रूट अप्रोच भी बोला जाता है या फिर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी बोला जाता है। देन डेल्फी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक क्या है सर, एक्सपर्ट को बिठाया जाता है, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन टेक्निक बोला जाता है, एक्सपर्ट को बिठाया जाता है, ये ऑलिफ हेलमर ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए ने डेवलप करी थी। सर एक्सपर्ट को बिठाते हैं, चिट्टियां घुमाते हैं, काम हो जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड को सुपीरियर मेथड कंसीडर किया जाता है क्योंकि सर इसके अंदर ह्यूमन एरर और बायस नहीं रहते हैं। इस मेथड के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं, पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड सर, वो ग्राफ गोपी बहू वाला, और फिर फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, आपको वरायंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल मेथड को बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। रिग्रेशन में आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो आप सिर्फ एक्स को चेंज करते हैं, एक्स तो चेंज होती रहती है आपको पता है, आप एक्स को चेंज करते हैं वाई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर एक क्लोज मार्केट के अंदर आपको पैसे दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि भैया आपकी शॉपिंग करके आइए, लिस्ट देखी जाती है और पता कर लिया जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है। बैरोमेट्रिक मेथड यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना, जिस तरीके से बैरोमीटर को यूज किया जाता है वेदर फोरकास्ट करने के लिए, उसी तरीके से बैरोमेट्रिक टेक्निक इज यूज टू मेजर टू फोरकास्ट द डिमांड। इसके अंदर आपको लीडिंग लैगिंग और कंकरेंट इंडिकेटर के भरोसे पता करना पड़ता है। जैसे कोरोना के टाइम पे पता चल गया था कि भाई डिमांड नहीं आएगी, अभी पता चल रहा है डिमांड आएगी, तो ये सारी चीजें। फिर आइए सर लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी सप्लाई पे आते हैं। सप्लाई क्या होता है सर, सप्लाई में भी दोनों चीज़ें चाहिए रहती है, आपको विलिंगनेस भी चाहिए रहती है, एबिलिटी भी चाहिए रहती है। पर यहाँ पर विलिंगनेस किस पे डिपेंडेंट है सर, विलिंगनेस प्राइस पे डिपेंडेंट है, ज़्यादा प्राइस तो ही विलिंगनेस है मेरे अंदर तो ही बेचूंगा। और एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है सर, स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है। आइए सर इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस के साथ जायज रिश्ता डायरेक्ट, तो ये नहीं पढ़ाता मैं आपको, ये तो बहुत इजी पार्ट है। अब आइए लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, सेटरस पेरिबस, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, हायर द प्राइस मोर सप्लाई, लोअर द प्राइस लेसर विल बी द सप्लाई, सो इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिवली स्लोप, एंड मार्केट सप्लाई कर्व इज द लैटरल समिशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। पढ़ी मैंने चार पॉइंट बता दिए सर, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिवली स्लोप, समटाइम इट इज अ स्ट्रेट लाइन और फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है सर, मार्केट सप्लाई कर्व इज द सम टोटल ऑफ
सर अजम्पशन के केस में क्या बोला था मैंने, सर प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मार रहा है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मार रहा है, ये लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशन है। मैंने आपको बोल दिया प्राइस को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मार रहा है आपको सर, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए सर। कुछ भी चेंज हुआ इंपैक्ट दिखने लगेगा। इन शॉर्ट अजम्पशन क्या है सर, प्राइस को छोड़ के कुछ भी चेंज नहीं करना, ये अपना अजम्पशन है। अच्छा सर अगर मान लो एक आधा अजम्पशन हमको एग्जाम में याद नहीं रहा तो क्या करने का, लॉजिक अप्लाई करने का, दिमाग में समझो तुम्हारे माइंड में नॉर्मल वेदर कंडीशन नहीं है तो तुम्हें सोचना चाहिए, एग्जाम्पल खुद क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर मान लो सर वेदर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मतलब एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है मतलब तूफान आया सर, तूफान के केस में क्या करते हैं लोग, थोड़ी सहायता देते हैं यानी डिस्काउंटेड रेट पर बेचना चालू कर देते हैं, यानी लोअर प्राइस पे भी हायर सप्लाई करना चालू कर देते हैं अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है। ऐसे सर आगे बढ़ते हैं, ये तो सर कचरा पार्ट है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पहले इंक्रीज पे आते हैं सर, इंक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कर्व, सप्लाई के केस में राइट वर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट अलॉन्ग द कर्व नहीं है, शिफ्ट ऑफ द कर्व है। फिर डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। अब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सॉरी डिक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अदर देन चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो भैया प्राइस को छोड़ के और किसी फैक्टर के कारण डिमांड कम हो गई डिक्रीज, बढ़ गई किसी और फैक्टर के कारण तो इंक्रीज। अब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं, पहले आते हैं एक्सपांशन में, एक्सपांशन इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज, चेंज की जगह इंक्रीज बोलना सही रहेगा, एक्सपांशन इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। द अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट सर डिमांड में डाउनवर्ड था, अपवर्ड है, अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, डाउनवर्ड मोमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट बोलना है बेटा आपको। यहाँ पर मोमेंट अलॉन्ग द कर्व रहेगा अपवर्ड मोमेंट एक्सपांशन, डाउनवर्ड मोमेंट कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड के केस में उल्टा होता, डाउनवर्ड मोमेंट इज एक्सपांशन, अपवर्ड मोमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। सर यहाँ पर तो सेम है, ये जो बाहर की तरफ जा रहा है नहीं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये मेन है अपना ब्लू वाला मेन है, तो सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज। आई होप इट इज क्लियर। देन देर आर सर्टन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है सर, सर बेवफा, बेवफा, बेवफा निकली है तू, झूठा प्यार, झूठा प्यार, झूठा प्यार कीता है तू, सर लेबर सप्लाई, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर, सर आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, मतलब सर आई लव यू एज अ फ्रेंड नहीं, आई लव यू एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो भैया ये चीज़ हो जाती है। दूसरा नीड फॉर कैश, किसी की बेटी की शादी थी कल तो उसको अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट थी तो वो कम प्राइस पे भी ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सॉरी फिक्स्ड सेविंग, अगर मान लो किसी को फिक्स्ड पैसा ही चाहिए, भाई मेरे को 1 लाख ही चाहिए, कुछ भी हो जाए 1 लाख ही चाहिए, मुझको सिर्फ 1 लाख चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कफन को जेब नहीं होती सर, तो फिर क्या करेंगे समझो, पहले 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रहा था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए आते थे, मुझे अभी भी 1 लाख रुपए ही चाहिए, अभी भी मुझको 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20 तो मैं 5 लाख रुपए का सप्लाई करूंगा। तो भैया इस केस में देखो ना, रेट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर भी मैं मनी का सप्लाई कम कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर मेरे को आउटपुट कांस्टेंट चाहिए। फिर सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन स्पेकुलेशन के बारे में बात, मेथड्स देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज वाला तो ऑलरेडी आपको आता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आता है बेटा पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड में पहले माइनस साइन होती थी, यहाँ पे माइनस साइन नहीं होती क्योंकि सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। डी क्यू पी डिवाइडेड बाई डी पी क्यू, आर की इलास्टिसिटी सेम, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2। सर वहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, अरे वो क्वांटिटी डिमांडेड था, क्वांटिटी सप्लाइड है। फिर भैया बात करते हैं, ये तो सर कचरा है, कचरा है सर, ये तो कचरा है, अपने को आता है सर, ये आता है सर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक यानी ग्राफ ऐसा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, कोएफिशिएंट इनफाइनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक सर, कुछ भी हो जाए, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, आपका सप्लाई कांस्टेंट है सर, सप्लाई कांस्टेंट है, जीरो प्राइस इलास्टिक सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो। यूनिट कैसा रहेगा सर, ऐसा जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। फिर बात करते हैं सर ग्रेटर देन वन, सर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन कैसा रहता है सर, ग्रेटर देन वन ऐसा सोया हुआ रहता है, अपना प्राइस इतना था, लेट से आपका प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी जा रही थी, अब प्राइस आपने इतना बढ़ाया, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा जा रही है, सर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये वाला कैसा आएगा सर, सर ये वाला ऐसा लेटा हुआ आएगा, खड़ा आएगा,
इस बार प्राइस में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम है। इक्विलिब्रियम कब होता है सर? जब मार्केट डिमांड कर एंड मार्केट सप्लाई कर एक दूसरे को टकराते हैं सर, ये वो अद्भुत मिलन होता है। इस मिलन पे बेटा, अब आपको मैं थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोलूँ सर, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और मेरी किसी से अख लड़ गई। तो सर ये जब मिलन होता है तो दो चीज़ें आती है सर इसके अंदर सर, एक आता है प्राइस और एक आता है क्वांटिटी। इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बिकने वाली है मार्केट के अंदर, दैट्स इट, दैट्स इट सर। हमने पता नहीं कितना टाइम लगाया बट इट्स डन। आई गेस वी टुक 20-25 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, हम 9 बजे मतलब 5-10 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसी के। तो मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जीवन में कोई तकलीफ है तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है बेटा मेरे पास, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई है, किसी दुख दुविधा परेशानी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए जी शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं रफ टाइम टेबल बना रहा हूँ पार्थ, 24 मिनट 20 सर। मैं कंटिन्यूस बोला 24 मिनट। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बहुत बोलते हैं, ब्राह्मण बहुत बोलते हैं भैया। कभी कभी हो सकता है ना कि कोई क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, वो तुम्हारा नसीब ख़राब है नव्या, वो क्वेश्चन में नसीब तुम्हारा ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सर। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी अब कम हो रही है डिमांड सप्लाई बर बर पढ़ के। सर मैंने पूरे लेक्चर की सुन रिकॉर्डिंग करी है, पूरे लेक्चर की अल्ट्रा स्वीट मैराथन बनाना है अपने को। 24 मिनट्स एंड सम सेकंड। ये लड़की बोले ऐसा ऊपर ऊपर से 20-30 सेकंड ऊपर नीचे होंगे। हीना दुआ इन्हें पंजाबी वाला एटीट्यूड होगा यार, 10-20 सेकंड ऊपर होगा सर जी, जाने दीजिए, 24 मिनट तो हो गए। बॉटल का डिज़ाइन दिखाओ जी, ये लीजिए बॉटल का डिज़ाइन, अरे नॉर्मल है जी, बाद में बेचेंगे QIQ जितेंद्र। हाँ सर, फास्टैग के बाद मैराथन आप करवाएंगे यानी? अरे बेटा मैराथन डल चुका है ना रे, ओ बेशरम मैराथन डल चुका है ना, कैसी बात करते। 770 का है, 775 क्या करने का पता है इसका? एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको भेजने की कोशिश करना व्हाट्सएप पे भेजते हो ऑटोमेटिकली साइज कंप्रेस कर देता है सर आपकी तरफ से। और क्या क्या आएगा मेरी तरफ से? अब आपको एक न्यूमेरिकल मैराथन आने वाला है, न्यूमेरिक्स मैराथन। नॉर्मल मैराथन दे दिया, ग्राफ मैराथन दे दिया, न्यूमेरिक मैराथन, MCQ मैराथन, चार टाइप से कोर्स अलग अलग एंगल से करवाया सर, इधर उधर खटके मार मार के अलग अलग से करवाया। फ्री में लेक्चर्स डाल दिए, फ्री में रिविजन ले रहा हूँ, और क्या चाहिए बेटा? जान हाजिर है, आप बताइए और क्या चाहिए आपको। सर सुनो, आपने बोला कि डायरेक्ट एग्जाम के बाद कॉस्टिंग पढ़ना चालू कर देंगे, तो सर प्लीज़ आप कॉस्ट प्लस FM कॉम्बो रिजल्ट के बाद रिलीज़ कर दो, मुझे ये सब्जेक्ट आपसे पढ़ना है। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए कॉम्बो ही लेकर आऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए सर। इतनी बड़ी वीडियो सेंड नहीं हो रही है, तो फिर कौनो बात नहीं, मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा, मैं कॉम्प्रेस भी कर लेगा, मेरे पास कॉम्प्रेसर है, कोई बात नहीं। सर बताइए ना, अनअकैडमी की बैच में आएंगे ना, मैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन अनुकूल। मैं कॉस्टिंग और FM के बारे में आपको गारंटी नहीं दे सकता, पर मैं फाउंडेशन के लिए कल से, अरे भाई मेरी कल से फाउंडेशन की बैच चालू हो रही है, कल से मेरी फाउंडेशन की 1 महीने की बैच चालू हो रही है, खाद नहीं खाए। और वो बैच रहेगी सुबह 9 से 11:30, 9 से 10:30 और 11 से 12:30। हाँ मैं कर दूंगा, वो आपसे नहीं होगी सर। लाइव मैराथन दे, लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, वो जो मैराथन है ना, इट इज़ अ जेम, यानी वो मैराथन। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इंटर में फिर से मैराथन रिकॉर्ड किया 11 घंटे का, पुराना मैराथन 8 घंटे का था। बच्चों का फीडबैक पता है क्या है? सर पुराना ही चाहिए सर, पुराना पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना, नया वाला सर सेम भी होगा तो हमको पुराना ही चाहिए। मैं जानता हूँ पुराना वाला इज अ जेम, वो कभी बदल नहीं सकता, वो सर वो तो सदियों तक चलेगा, जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। अरे उसके अंदर के जोक खतरनाक है, वो ऐसे दिमाग में फिट बैठते हैं जो। प्लस पे क्रॉस एंड सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी, क्रॉस और सब्स्टिट्यूट नहीं, क्रॉस के अंदर एक वैरायटी है, क्रॉस के अंदर एक वैरायटी है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंटरी। क्रॉस मतलब किसी और गुड्स के साथ कंपेयर करना होता है। सम्स मैराथन भी रात को ही रखना, बहुत पीस ऑफ माइंड होता है, आते तो हो नहीं रात को। सर प्रोड्यूसर गुड्स भी तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स भी तो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल,
प्रोड्यूसर गुड्स नॉन ड्यूरेबली सॉरी ड्यूरेबली होते हैं। अरे तुम जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज दोगे वो ड्यूरेबल ही रहने वाले हैं। अरे ककड़ी लेकर आओगे, ककड़ी फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, खा सकते हो, ठीक है मान लिया कंज्यूमर है, पर इसको तुम प्रोड्यूसर गुड्स थोड़ी बोल सकते, इसके हेल्प से तुम सर्विस दे रहे हो, क्या करो मार रहे बच्चों को, अरे कितने दिन तक मार पाओगे, एक दिन खत्म हो जाएगी ककड़ी। सर इंटर में सारे सब्जेक्ट आज दिलवा दोगे, तुम्हारे पूरे इंटर का कॉम्बो और सस्ते सस्ते में मैं बना के दूंगा, भाई हूँ तुम्हारा। बेटा बिजनेस अलग जगह होता है, भाई 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 का प्यार अलग जगह होता है, वो बाद में होगा। थैंक यू गणपति चाओ भाई। इलास्टिसिटी में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सर आप ट्रेड डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड को बोला था कि सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं, प्लीज़ एग्जांपल दीजिए। आप एग्जांपल दीजिए मैं बताऊंगा। सर ट्रेड डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में समझा ही नहीं आपका क्वेश्चन। जी जी, अरे लेक्चर चलते लेक्चर में कैसे प्लेलिस्ट अपडेट करूँ, रात को होती ना बेटा, चलते लेक्चर में मैं मगर इधर देखते ऐसे बैठा रहूँगा कैसा लगेगा तुमको, तुमको लगेगा सर इग्नोर मार रहे, सर इधर किसको देख रहे, मैं तो असिस्टेंट रखने की सोच रहा हूँ, असिस्टेंट चाहिए यार मेरे को। सर मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? सर तेरे से क्या गलती हो गई, तुझको पता तुमने क्या गलती करी होगी, मुझको तो नहीं पता। सर रॉ मटेरियल तो नॉन ड्यूरेबल है ना, ये प्रोड्यूसर गुड्स, अबे बाबा प्रोड्यूसर गुड्स वो इनपुट है, अले वो इनपुट है ले बाबा, उसकी हेल्प से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेस नहीं दे रहे हो, वही फर्दर प्रोडक्शन में जा रहा है। अब क्या होगा, कितनी देर का, एक घंटे तक आपका बीसी के चलने वाला है, 9 कंपनीज रह गई है हमारी, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 कंपनीज से। सर ये ऐसी 2 कंपनीज रहेगी जो कि फॉरेन कंपनीज है, फिर उसके बाद 2 इंडियन करेंगे। सर फॉरेनर के बाद इंडियन चाहिए आपको, यानी फॉरेनर्स को देख लोगे, इतना फॉरेनर्स को देखने के बाद इंडियन चाहिए कि नहीं आपको, इंडियन ही चाहिए सर। हाँ तो तू भी बहुत बोलता होगा आशु। सर लाइव में उस रात लोग नहीं आए पर बाद में लोग देखते हैं और बाद में भीड़ लगेगी, रात को हम पढ़ेंगे सर, चिंता मत करिए। ओके कृष्णा, सर आप रिप्लाई नहीं देते, मैं जब ना एक मैसेज पढ़ता हूँ इधर देखता हूँ तब तक तुम लोगों के बहुत सारे मैसेज ऊपर आ जाते हैं, जो दिखता है उसका रिप्लाई होता है। प्रेशा 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 ने क्या पूछा है, प्रेक्षा ने क्या पूछा है भैया, ये रो रही है लड़की कि इके जवाब का, इके सवाल का जवाब नहीं दिया है हम। अप्रेशा तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, कटे गया, वापस से भेजिए जी। चल दे दो रिप्लाई मैसेज में, कितनी बार पूछूंगी रो रही है बिचारी। सर लेक्चर 8-7 लिखा है फर्स्ट मिस्टेक, सर ब्राह्मण मिस्टेक नहीं करते सर लेक्चर, अरे बाबा 8-7 इसलिए लिखा है, अपना जो थंबनेल बनाने वाला बंदा है उसके पप्पा बीमार है, उसके पप्पा बीमार हैं तो कुछ ना कुछ थंबनेल तो डालना पड़ता है, बिना फोटो एक्सेप्ट करता नहीं तो वही फोटो लगा देनी पड़ती है, मेरे को मालूम है, मेरे को ऐसे ही चिपकाना पड़ता है वहाँ पे। सर टेलीग्राम पर अपलोड होगी क्या रिकॉर्डिंग, यूट्यूब कॉमेडी बोला ना रे। हाँ सर BCR का भी बता दीजिए, शुरू भी नहीं करती। सर BCR का भी बता दीजिए, कुछ शुरू भी नहीं करी, ओ भाई पूरा का पूरा तो पढ़ा दिया, जितना पढ़ाया अब उतना ही देख, कंसिडरिंग द टाइम लिमिट। आजा भाई श्रेयस आजा। सर आपने बोला था कि वो ग्राफ मैराथन तभी देखना, ओके हाँ ठीक है चलिए मान गया, मैं आपकी बात मान गया। ये देखो हीना पकड़ लिया इसने बराबर वो मेरी बात को पॉइंट को पकड़ लिया है, आप उसको बाद में ही देखिएगा। सर मेरे भी रिप्लाई करिए ना, जो टाइम टेबल बना के देगा तुम्हारा भाई, टाइम टेबल बना के देगा, थोड़ा टाइम वेट कराओ। सर टाइम टेबल बनाने के लिए सर को टाइम तो दो, मान जाए को आपको चाय पे चर्चा पे टाइम टेबल बना के मिल जाएगा, इस बात की गारंटी। 1962 में वॉल्टन की बेटी को मैकमिलन, उसकी बेटी को बीबी बनाने का अर्कनसास 2009 में, तेरी टेक्निक याद करते करते मेरी टंग ट्विस्ट हो जाएगी। सर स्नॉब एंड वेबलिन में, स्नॉब में उन्होंने एक इफेक्ट बताया, स्नॉब इफेक्ट मतलब है अरे बाबा तू यूज कर रही है गुड्स तो मैं ये गुड्स नहीं यूज करने वाली, बाबा तुम यूज करेगा तो हम यूज नहीं करेगा, तो इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। ठीक है क्या बोला, अरे बाबा तुम यूज करेगा साइन तो हम यूज नहीं करेगा इस गुड्स को, इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। वेबलिन क्या बोलता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको ज्यादा परचेस करते हैं। BCK का नोट कहाँ से मिलेगा, BCK का नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, CA फाउंडेशन आदित्य पर। महिमा गुप्ता, सर मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊँ, पैसा नहीं मिलता बेटा, बिना पैसे के बन सकते हो। सर डिनर करने कब जाएंगे, सर जाएंगे थोड़ी देर बाद जाएंगे,
सर एग्जाम से पहले एमसीक्यू पैटर्न देखें, एग्जाम से पहले नहीं अभी देख लो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर जैसे कि टाइट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एक हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल एंड कार, ये टाइट डिमांड भी है, ये डिराइव्ड डिमांड भी है। अरे सीधी बात है, डिराइव्ड डिमांड है ना, हो सकता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो भैया उस केस में टाइट डिमांड भी हो सकती है, यानी पेट्रोल की डिमांड तभी आएगी जब पेरेंट गुड की डिमांड है, हाँ ना, आप सही बोल रहे हैं। सर कोर्स नहीं हुआ अब तक, रिविजन कब से शुरू करूँ करके सब छोड़ के, तू मेरा सिर्फ रिविजन लेक्चर देखना चालू करते हो जाएगा। चर्चा कब है? चर्चा बहुत जल्दी होने वाली है, टाइम टेबल पाँच टाइम, थैंक यू सर, पाँच टाइम थैंक यू बोल रहे हैं, पहले ही पाँच टाइम। सर मेरे बदले एग्ज़ाम दे दीजिए ना, सब कुछ दे रहे हैं आप फ्री में, ठीक है जी, आप पैसे दे दीजिए मैं दे दूँगा। सर इट विल बी लाइक दारू पे चर्चा ऑफ जीतू भैया विथ विजय माल्या, अरे अपन दारू वारू नहीं पीते। सर वॉइस अच्छा निकालते, वाह मेरे से बहुत अच्छी वॉइस निकाल सकते, करीना किधर है करीना, वाह। सर अगर कोई वॉइस नॉप और वेबलन के बारे में पूछे तो बोलना मुझसे पूछ ले, क्लासी एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना तू। डर लेट स्टार्ट, डर लग रहा है मेरे को, डर, ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सर पांच पैसा ऐप के लिए एक बार 30 मिनट का लेक्चर रखो ना, 30 मिनट मेरी पर आर की रिकॉर्डिंग का कॉस्ट 500 रुपये है, तुम्हें पता है पर आवर की रिकॉर्डिंग का कॉस्ट 500 रुपये, तो 30 मिनट का 250 रुपये जाता है। अबे मिकी माउस नहीं सैफ अली खान था। सर रोहन सर ने आना था आज, उनके यहाँ नेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, तैमूर की निकाली सर, वह करेगा और क्या करेगा, मारवाड़ी में बात करिए, हमारे को मारवाड़ी नहीं आती भाई। किसका टाइम टेबल सब मांग रहे हैं, ऐसी स्टडी का जनरल टाइम टेबल सर आपको नहीं भेज सकते हैं, ओके आई गॉट इट। सर आपने क्लास के एग्जाम्पल ले लो ना प्लीज, अरे तेरी क्लास के बेटा तू तो सबसे ज़्यादा बदमाश है लड़का, पट्टा तू बदमाश है, तेरे को तो लड़कियों का पीछे भागना फिर भी शादी मम्मी की मजे से करना। सर आप कपिल सर से कहिए कि ICS से कहिए कि एग्ज़ाम के बीच में टेम्परेचर हाई हो जाए तो बच्चा एग्ज़ाम देने देंगे या एक्स्ट्रा रूम में प्रोवाइड करेंगे, तो बेटा तुरंत नहीं समझ में आता हाय कि आप लोगों का टेम्परेचर हाई हो रहा है, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में नहीं 3 घंटे में कुछ पता नहीं चलेगा, उससे पहले या बाद में जनरली पता चल जाता है। ओ मैं शिनचैन की आवाज़ कैसे निकालूं, अभिषेक अभिषेक आपको देखकर कॉन्फिडेंस है, ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं, हस्ता ला विस्ता लेट्स स्टार्ट, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर बेक। तो थोड़ी होने मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी में करियो, सर पैसा नहीं चाहिए, सर पैसा नहीं चाहिए मत लो, पैसा पैसा मत लो, बहुत अच्छा है डोरेमोन। अच्छा मैं तुम्हें मिमिक्री आर्टिस्ट दिख रहा हूँ, कभी तुम बोलोगे ऑगी एंड द कॉकरोचेस की आवाज़ निकालो भैया, सर शुजुका की भी आवाज़ क्या समझ रहे हो तुम, मेरे को इतने अच्छे से मिमिक करने आता तो मैं यहाँ पे बैठ थोड़ी बैठा रहता। सर 10 मिनट मैथ्स का गैप खत्म होगा, अरे कोई ना मारवाड़ी थोड़ी ना यार मरोगे थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है। सर आप कॉमेडी में जाइए, थैंक यू श्रेयस आई मिस योर बैच अलॉट, खास करके तुझको, तू तो भयंकर नालायक है, ब्राह्मण बनता है पर हरकतें इसकी अच्छी नहीं है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, अर्णब गोस्वामी बीच बीच में आता है, मोदी जी भी बीच बीच में आते हैं, मोदी जी ऐसे नहीं आते हैं, मोदी जी बीच बीच में सडनली आ जाते हैं। मुझे ग्रेट इंडियन खली की भी आवाज़ निकालनी आती है पर वो क्या बोलता है उसको ही नहीं समझता, तो मैं क्या बोलूँगा तुम्हें भी नहीं समझेगा। सर आप पंजाबी हो, जहांगी लैंग्वेज सुनी है कभी, सुनी नहीं है, अगर आती हो तो नहीं सुनाएंगे जी। शाहरुख फेल सर आपके सामने एक बार किरण, नहीं भाई अपने को अभी गला दुख रहा है तो मैं मिमिक कर लेता हूँ, अच्छी खासी मिमिक कर लेता हूँ। ग्रेट इंडियन खली की आवाज़ ऋतिक रोशन, माँ तो बोलनी क्या चाहिए, अभी आवाज़ खराब है तुम्हें परफेक्ट नहीं आ रहा है, मामा ये शक्ति का गलत फायदा उठा रहे माँ, मुझे बोर्नविटा चाहिए। लेट्स स्टार्ट गाइस, वी आर ऑलरेडी लेट। चलो ये शुरू करते हैं, तो ग्रेट इंडियन खली का खिला। अब आपको क्या समझ में आएगा, खली ऐसे ही बोलता है कुछ समझ में नहीं आता, खैर कोई बात नहीं, चले जी हंसी मजाक बहुत हो गया है, अब शुरू करते हैं। बोर्नविटा पी के स्टार्ट करते हैं, ओ ढक्कन चिकन।
चलिए सर शुरू करते हैं. वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके सो फ्रेंड्स, वी कंप्लीटेड टू फॉरेन कंपनीज एंड ओनली टू इंडियन कंपनीज आर लेफ्ट. नाउ वी आर गोइंग टू कवर सेवन फॉरेन कंपनीज एंड टू इंडियन कंपनीज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डॉइश बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस. दिस टू कंपनीज आर बेसिकली इन फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा ऑटोमेटिकली. इन फॉरेन कंपनीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनीज के केस में बेटा, फॉरेन कंपनी के केस में ना ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है. ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सेगमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड. ये वाले सेगमेंट में बहुत कम पूछा जाता है आपसे, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा. आप चेक कर लीजिएगा. चलिए जी चेक करते हैं. विल स्टार्ट विद डॉइश बैंक. इसको पढ़िए आप, DEUTSCHE, डॉइश. आप बोलेंगे ड्यूटश्चे, ड्यूटश्चे बैंक, ड्यूटश्चे नहीं, डॉइश, डॉइश बैंक. सर डॉइश बैंक 1870 में बना हुआ बैंक है, यानी टाटा साहब के बस दो साल बाद 1870 में बना है. 1980 में इंडिया में आया है, तो ऑलमोस्ट 110 साल बाद इंडिया में प्रकट हुए हैं. और भैया ये बैंक जो है ये जर्मन बैंक है, फ्रैंकफुर्ट जर्मनी. फाउंडर हैं इनके जॉर्ज सिमेंस, डेलबर्ग एंड बेमबर्गर, बेमबर्गर साहब. इनके चेयरमैन हैं पॉल एक्लिंटनर, सीईओ हैं क्रिश्चियन स्विंग एंड सीओओ है फ्रैंक कुके, तो 1870 में बैंक की स्थापना हुई, ठीक 110 साल बाद 1980s में इंडिया में आया. सर ये फ्रैंकफुर्ट जर्मनी में है, और आपके को इसके नाम से समझ में आएगा, डॉइश वॉइश वर्ड जो है ये आपको वही के नाम मिलेंगे. इनके फाउंडर तीन लोग हैं, जॉर्ज सिमेंस, जेलबर्ग एंड बेमबर्गर. सर बर्गर वाला, सर बर्गर वाला. पॉल एल्टनर इनके चेयरमैन है, सीईओ है स्विंग एंड सीईओ है फ्रैंक कुके. अब इनकी अचीवमेंट कुछ खास नहीं है, आपको याद रहेगी भी नहीं. ये देखो बेटा डॉइश बैंक है तो भैया ये फाइनेंशियल सर्विस में आता है. ऑपरेशंस इन फाइनेंशियल सर्विस इन मोर देन 17 कंट्रीज. इन 2009 डॉइश बैंक वॉज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज डीलर इन द वर्ल्ड विथ 21% शेयर. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सर 2009 में ये अद्भुत घटना घटी कि 21% जितना भी करेंसी का लेन देन हो रहा था उसका 21% इन लोगों के पास था, यानी 1/5 ऑफ द प्रपोर्शन इन लोगों ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था. डॉइश बैंक इस्टेब्लिश इज फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया इन 1980. वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख लिया अपन है. इट हैज 11,000 एम्प्लॉइज इन द कंट्री ऑपरेटिंग इन 16 सिटीज. इन 2016 इट गॉट बेस्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जर्मनी. अब ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखी तो भी चल जाएगा. कैसे सर? सर दूसरा बैंक कौन सा है? अमेरिकन एक्सप्रेस है. तो भैया अमेरिकन एक्सप्रेस को जर्मन अवार्ड तो मिल नहीं सकता, और सीधी सी बात है सर जर्मन अवार्ड मिल रहा है यानी फॉरेन बैंक होगा. एक ही तो बैंक है अपने पास, डॉइश बैंक. तो चलिए जी याद हो गया हमको क्या क्या याद रखने. 1870 के अंदर ये बैंक आया, 1980 के अंदर इंडिया में आया, फ्रैंकफुर्ट जर्मनी में है. इनके फाउंडर के नाम याद रख लीजिए और CFO का नाम याद रख लीजिए, सिमेंस, डेलबर्ग एंड बेमबर्गर. और CFO है कुके, कुके कुके ए कुके. अब एक चीज आप याद रखेंगे क्या सर, 2009 में लगभग 1/5 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन इन्होंने करवाया. अब बात करते सर इनसे भी बाप बैंक की, अमेरिकन एक्सप्रेस. मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड था. उस अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड को कोई लिमिट नहीं होती, आपको ऐसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड नहीं मिल सकता. आप जाके अप्लाई करेंगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड. अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की लिमिट 10-10, 20-20 लाख रहती क्रेडिट कार्ड की. मेरे जैसे एक छोटे से स्टाफ अकाउंटेंट आर्टिकल को इन्होंने इतना बड़ा लिमिट दे रखा था. कितना बड़ा लिमिट दे रखा था भैया? अनलिमिटेड स्वाइप का. तो आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, हाई क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों को ये मिलता है. तो साहब आपका जो टीचर है ना, इसको हाई क्रेडिट रेटिंग मिलती थी बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ MNC जिसमें मैं काम करता था. पर सर अपन ने स्टेटस एंजॉय किया है. अमेरिकन एक्सप्रेस 1850 में आया और इंडिया के अंदर 1921 में कोलकाता में आया. ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले एक हब होता था कोलकाता. ITC भी देखिए कोलकाता में सबसे पहले आया, अमेरिकन एक्सप्रेस भी कोलकाता में आया. और कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सप्रेस का वहाँ पे आने का रीज़न यही था कि कोलकाता वॉज दी हब, कोलकाता हब था ब्रिटिशर्स का. तो 1921 में वो आ गए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. ये चीज़ याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि भैया ऐसा कौन सा
कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है? तो न्यूयॉर्क में इनका ऑफिस है अमेरिकन एक्सप्रेस का। चेयरमैन है स्टीफन स्क्विडी, सीईओ है जेफरी कैम्बल। आपको याद नहीं रहेगा पर कोई बात नहीं, आपसे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1850 में आया सर, और 1921 ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर्च्यून में 72 नंबर पे आते, कुछ खास रैंकिंग नहीं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, सर एक कंपनी करती क्या है। कंपनी इज बेस्ट नोन फॉर क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक यानी कि जो फॉरेन में जाके ट्रैवल करते हैं तो उसको करेंसी के बदले ट्रैवलर्स चेक दिए जाते हैं। ऑपरेटेड, इट ऑपरेट्स इन 175 कंट्री विद 2300 ऑफिस। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्री मेजर कंपनी, ये आएगा आपको, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर। तो कैसे याद रखेंगे सर, एडवाइजर को ट्रैवल करना था तो बैंक में गया, एडवाइजर को ट्रैवल करना था तो बैंक में जाएगा, क्योंकि ट्रैवल करने क्यों जाएगा, क्योंकि बैंक में क्यों जाएगा, क्योंकि उसको ट्रैवल करना था, पैसे निकालने थे, तो एडवाइजर को ट्रैवल करना था इसलिए वो बैंक में गया। द कंपनी हैज सेट अप अ ग्लोबल ऑफिस, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस सेंटर। भैया ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने दो मेजर ऑफिस इंडिया में खुलवाए हैं। कौन कौन से? अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करता है, 175 कंट्रीज में जितने भी ऑपरेशन होते हैं इंडिया में उसका प्रोसेसिंग होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया को बहुत बड़ा सुपर पावर मानते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस सेंटर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी बैंकिंग का फंक्शन तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में होता ही जाता है, बैंकिंग का फंक्शन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में होता ही होता है। लेकिन सर एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज याद रखनी है सर आपको, इन्होंने अकाउंटिंग का और सपोर्ट सर्विस का काम इंडिया को दे दिया। अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स है 600,000 न्यू मर्चेंट सिंस 2017, उसमें मैं भी था 2017 के बाद भी मैंने एक कार्ड बनवाया था, वो कार्ड मैंने अब बंद कर दिया है क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेहद ज़्यादा खर्चे कर दिए थे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस हैज एडेड 600,000 न्यू मर्चेंट, अच्छा मैं मर्चेंट नहीं था, मैं कस्टमर था, मर्चेंट सिंस 2017। मर्चेंट ऐड करने का मतलब क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ सेल्स उन्होंने ऐड करे, यानी कि मेरी दुकान है समझो, वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता था क्योंकि बहुत ही बड़ा बैंक है सर, इसका कार्ड एक्सेप्ट होते नहीं थे। तो इन्होंने 600,000 इंडिया में ऐड किया मर्चेंट, सो एमएक्स एक्सेप्ट करते। आप मिस्टर बीन देखना कभी, मिस्टर बीन के अंदर ना वो एमएक्स कार्ड निकालता है और दिखाता है, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस की सर वैल्यू कितनी खतरनाक है। कभी आपने सोचा है अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड होना, आप किसी लाइन में खड़े रहोगे और किसी ने देख लिया आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, अरे भैया वो लड़कों लोग तुम डिओड्रेंट मारते हो तो लड़कियां मरती है, ऐसा नहीं होता है सर, तुम अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड निकालो, तुम्हारा पेट भरने निकला हो लड़को, तुम्हारे सब तोंदू जैसे घूम रहे हो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लेकर, ऐसे कुछ लोग तो फ्लैट हो ही जाएंगे, ठीक है सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वही भैया वो ऐड बहुत गलत है कि ऐसे डिओड्रेंट पाने से लड़कियां आ जाती, ऐसा नहीं होता सर, अमेरिकन एक्सप्रेस इज द स्टेटस सिंबल था सर, वो उसको देखा ना मज़ा आ जाता था सर, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रीन कलर का कार्ड, और गजब मज़ा ही आ जाता था सर उसको देख के। पुरानी यादें हैं सर, वो कभी दिखाऊंगा मैं आपको, मेरा कार्ड भी दिखाऊंगा, जब मैं काम करता था तब मुझे एक कार्ड मिला था। चलिए जी पढ़ते हैं वापस से। डॉइश बैंक 1870 में आया, ये 1850 में आया, 1980 में इंडिया में आ गया, ये कहाँ गया, ये 1921 में इंडिया में आ गया, कोलकाता में आया, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑपरेशंस को फाइनेंशियली वाइबल बनाने के लिए। उसके अलावा आपका डॉइश बैंक 21% फॉरेक्स हैंडल कर चुका है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इंडिया के अंदर इन्होंने दो मेजर ऑफिस खोले हैं, एक बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे अकाउंटिंग होती है, और एक है अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा इनके अंदर तीन मेन सेगमेंट है, कैसे याद रखना सर, एडवाइजर को ट्रैवल करना था इसलिए वो बैंक पे, डन छे, एक काम करता हूँ मैं एचपी लेता हूँ और उसके बाद इंडियन कंपनी पे जाएंगे। हेवलेट पैकार्ड ने अभी अपनी एक और कंपनी अलग कर दी 3-4 दिन पहले, हेवलेट पैकार्ड एचपी ने या आईबीएम ने करी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद आईबीएम ने करी अपनी कंपनी अलग, कोई बात नहीं सर। एचपी आईएनसी, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1939, पुरानी कंपनी है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, फाउंडर है विलियम बिल्स रेडिंगटन हेवलेट और डेविड डेव पैकार्ड। याद रखना मुश्किल नहीं है सर, कैसे, पैकार्ड और हेवलेट, एचपी का फुल फॉर्म ही है हेवलेट पैकार्ड, हेवलेट पैकार्ड,
हेवलेट पैकार्ड, हेवलेट पैकार्ड कैसे याद रखेंगे सर? देखो एचपी है, एचपी का क्या होता है सर? प्रिंटर, तो हेवलेट याद हो गया, पैकार्ड याद हो गया। प्रिंटर से क्या होता है सर? बिल निकलता है, विलियम बिल फाउंडर है सर इसके, हेवलेट पैकार्ड बिल। कहाँ पर है सर ये कंपनी? सर ये कंपनी है कैलिफोर्निया में, 1939 में फॉर्म हुई। चेयरमैन चिप बर्ग, सीईओ एनरी के लॉरेंस एंड सीएफओ स्टीव फिलर। ये नाम आपको याद नहीं रहने वाले, ये नाम आपको याद नहीं रहने वाले, पर आपको याद करने हैं। कुछ भी करो आपको ये नाम याद रखने, आप इन नाम को याद रखेंगे दोस्त। वापस से सर, एचपी आईएनसी 1939 में फॉर्म हुई, कहाँ पे सर? कैलिफोर्निया, ऊसा, ऊसा यानी कि यूएसए के अंदर। फाउंडर कौन है? हेवलेट पैकार्ड और बिल। चेयरमैन ने चिप बर्ग, सीईओ एनरी के लॉरेंस, सीएफओ स्टीव फिलर। नहीं पूछेंगे तुमसे, मुझे गारंटी है ये चीज़ नहीं पूछेंगे तुमसे, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे सर। फॉर्च्यून में 55वां रैंक है इनका, फॉर्च्यून में 55वां रैंक है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 55 फॉर्च्यून की लिस्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये लोग करते क्या है? सर हेवलेट पैकार्ड मेनली तो इनका एक प्रिंटर बिजनेस भी हुआ करता था, हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं मेनली। एचपी के लैपटॉप भी देख लीजिए आप, इट डेवलप वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, यानी तुम्हारा लैपटॉप भी हार्डवेयर आता है सर, इनके सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड सर्विस भी देते हैं। 2014 हेवलेट पैकार्ड अनाउंस प्लान टू स्प्लिट पीसी एंड प्रिंटर बिजनेस, द स्प्लिट क्लोज ऑन 1st November 2015 एंड दो कंपनी निकल के आई, पहला एक आई एचपी आईएनसी और दूसरा हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। तो एचपी आईएनसी एंड हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज दो कंपनी अलग कर दी, क्योंकि उनके प्रिंटर इतने बिकते थे ना कि उन्होंने एक सेपरेट सेगमेंट ही बना दिया उसको। एचपी कमिटेड 200 मिलियन ओवर 5 years टू डेवलप अ वाटर बेस्ड इंक टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है सर, इंक कौन बनाएगा? इंक तो वही बनाएगा जिसको प्रिंटिंग की जरूरत है, तो इंक वाला काम कौन करेगा? एचपी करेगा। हेवलेट पैकार्ड तो बोला मैं $200 मिलियन खर्च करेगा पर पानी वाली इंक बनाएगा। लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नोटबुक विद ओशियन बाउंड प्लास्टिक। नोटबुक यानी कि भैया नोटबुक कौन सी नोटबुक? जैसा टैबलेट रहता है वैसी नोटबुक इन्होंने बनाई है, ओशियन बाउंड। और कोई एक टेक्नोलॉजी है कि भैया एज जो है ना उसके, वो ओशियन बाउंड प्लास्टिक से बनाए। आई होप इट इज क्लियर। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, डजंट मैटर। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है जी, याद रह जाएगा 1939 में फॉर्म हुए। डॉइश बैंक कब आया बेटा? 1870 के अंदर। अमेरिकन एक्सप्रेस कब आया? 1850 में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में कब आया? 1921 में। और ठीक 110 साल बाद, 1870 से 110 साल बाद इंडिया के अंदर आ गया हमारा डॉइश बैंक। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अपन इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट पे जाएंगे, इंडियन कंपनी करेंगे अपन। दो इंडियन कंपनी रह गई अपनी, दो तीन कितनी रह गई? आईटीसी हो गया था, टाटा सन्स हो गया था। आइए सर, 1968 में टाटा सन्स आया था। अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत प्लेयर की सर, जिसने मार्केट को हिला के रख दिया, जिसने मार्केट को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया सर, बर्बाद कर दिया, खूंखार कर दिया है सर इन्होंने। इनकी अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे आप, इनकी प्रोग्रेस पढ़ते जाइए, आपको पता होना चाहिए सर। रिलायंस कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1966, आपको पता होना चाहिए सर। 1966 में कंपनी फॉर्म हुई, हेडक्वार्टर था इसका मुंबई के अंदर, मतलब आज भी है। फाउंडर इनके धीरूभाई हीराचंद अंबानी, यानी धीरूभाई अंबानी है तो आपको पता है, एंड ब्रदर चंपक लाल दमानी। अब आप चंपक लाल में कन्फ्यूज ना हो जाइएगा, चंपक लाल एक और जगह है, एशियन पेंट में भी चंपक लाल है, ये चंपक लाल दमानी अलग है, ये याद रखिएगा आप। धीरूभाई अंबानी, चंपक लाल दमाणी, ठीक है, अमाणी, अंबानी दमाणी, याद रखे अंबानी दमाणी। चेयरमैन मुकुभाई, एमडी मुकुभाई, सीईओ मुकुभाई, सीएफओ हैं श्रीकांत वेंकटचारी, ये याद रख लिएगा, श्रीकांत वेंकटचारी, श्रीकांत वेंकटचारी। ठीक है, ये याद रखना इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस श्रीकांत वेंकटचारी याद रखना है आपको, वेंकटचारी। अब इसको कैसे याद रखना है आप देखेंगे, श्रीकांत वेंकटचारी। ठीक है, ये तो कोई इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो भैया कंपनी के फाउंडर कौन थे? धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमाणी,
दमानी 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 कुछ भी बोल सकते हैं। चेयरमैन एमडीओ सीईओ मुकु भाई, अपना सब मुकु भाई। सीएफओ, सीएफओ है हमारे श्रीकांत वेंकटचारी। अब इनकी बात सुनते जाइए, बस आप सुनते जाइए। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, यू ऑल नो दिस। अच्छा सर, टाटा में भी तो आपने बोला था टाटा सबसे बड़ा है। नहीं, टाटा सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, टाटा ग्रुप सबसे बड़ा है, रिलायंस कंपनी सबसे बड़ी। ग्रुप और कंपनी में फर्क है। एंगेज इन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन। आप तो रिलायंस को सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं भैया, उसने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एनर्जी में सबसे ज्यादा काम कमाया और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। 1975 द कंपनी एक्सपांडेड इट्स बिजनेस इनटू टेक्सटाइल। तो ये क्वेश्चन आता है आपको, विमल ये ब्रांड कब लेकर आए? 1975 में विमल लेकर आए, 1975 में लेकर आए। सर 1975 में और दो घटना हुई थी, एक आपका कोल इंडिया भी आया था और सर आपका एक एनटीपीसी भी आया था। कोल इंडिया भी आया था और एनटीपीसी भी आया था, ठीक है। गेल तो भैया लेट आया था, 1984 में आया था। तो कोल इंडिया भी 1975, विमल भी 1975 और एनटीपीसी भी 1975 में आया था। सर द कंपनी हैज़ मोर देन 30 लाख शेयर होल्डर। सर आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है रिलायंस के शेयर होल्डर बनने का। आप लोग अगर इन्वेस्टिंग चालू कर देंगे तो बेटा रिलायंस जैसी कंपनी कोई नहीं। सर लाखों में एक कंपनी है रिलायंस, आपको रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहिए। 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है। एस्टैब्लिश अ सिंथेटिक फाइबर मिल इन 1966 एट नरोड़ा गुजरात के अंदर। एक्सपांडेड इज बिजनेस इनटू टेक्सटाइल विद विमल बिकमिंग द मेजर टेक्सटाइल ब्रांड। सर 1975 में चेंज द नेम फॉर रिलायंस टेक्सटाइल टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भैया सबसे पहली शुरुआत ही इन्होंने करी थी। अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो गुरु मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन ने मस्त एक्टिंग करी, अच्छी एक्टिंग करी है। तो उस मूवी के अंदर सबसे पहले वो क्या करते हैं सर, इसकी बाजार में जाते हैं, क्या बोलते हैं वायदा बाजार वगैरह, ये क्या बेचते थे, टेक्सटाइल बेचते थे। फिर उन लोगों ने बोला कि कंपनी को अपन पब्लिक करेंगे, तो इन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक भी किया। 1975 में विमल को एक मेजर ब्रांड बना दिया गया रिलायंस के अंदर। 81 सब्सिडरीज एंड 10 एसोसिएटेड कंपनी। अब देखिए इन्होंने किस किस को उठा लिया है सर। अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन डेन नेटवर्क लिमिटेड, हाथवे केबल एंड डेटा कॉम लिमिटेड। सर ये जियो का कमाल है, ये जियो का कमाल है। सर यहाँ पे परेशानी क्या है, कोई मुश्किल नहीं ये चीज़ याद रखना, पर याद रखना सर तिकोना, फिर चाइना मोबाइल, देन एक और मोबाइल की कंपनी थी मिलीकॉम। मिलीकॉम को किसने अक्वायर किया था, एयरटेल ने। इसको किसने अक्वायर किया, डेटाकॉम। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एयरटेल लिख देंगे कहीं गलती से। यहाँ पर याद रखिएगा डेन नेटवर्क, हाथवे एंड डेटाकॉम, DDH। रिलायंस ने DDH है ना, डेन नेटवर्क, हाथवे एंड डेटाकॉम, ये तीन को इसने अक्वायर किया। अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन एम्बाइप टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट AI। ये आपको पता है सर रिलायंस में, जब आप अगर IPL देखते तो पिछले साल तक उनकी वाइफ यानी कि नीता अंबानी बार बार ये प्रमोट करती थी एजुकेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड UK BP PLC हैव अग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू सेट पेट्रोल पंप। सर पेट्रोल पंप कौन लगाएगा, सर ये रिलायंस वाला लगाएगा। वैसे पेट्रोल पंप की दो और कंपनी है पर वो इंडियन कंपनी, उनको फर्क नहीं पड़ता सर, इसको ग्रो करना है। 5,500 पेट्रोल पंप लगाने थे। सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, सऊदी अरमैको, ठीक है। ये सबसे बड़ी अरमैको सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, सऊदी अरमैको एंड रिलायंस इंडिया साइंड अ नॉन बाइंडिंग नहीं बेटा नॉन बाइंडिंग इंटेंट इन ऑगस्ट 2019 टू एक्वायर 20% स्टेक इन ऑयल टू केमिकल वैल्यू $75 बिलियन। रिलायंस एंड माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस अ पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया वेयर माइक्रोसॉफ्ट विल ब्रिंग अज्योर क्लाउड। ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, अज्योर क्लाउड कौन लेकर आया, सर रिलायंस वाला माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर क्लाउड यूज करता है। स्लोगन सर, स्लोगन क्या है सर, स्लोगन है कि अपने को ग्रो करना है। ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ। ग्रोथ सर, ग्रोथ इज स्लोगन। स्लोगन क्या है, ग्रोथ। रिलायंस बढ़ते ही जा रहा है सर, उसका स्लोगन क्या होगा, ग्रोथ। रिलायंस का स्लोगन है ग्रोथ। सर बड़ी कंपनी निपटाई है, ऐसा हैवी फील होता है जब बड़ी कंपनी निपटाते हैं। वापस से चलिए सर पढ़ते हैं। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1966 में, कंपनी वॉज फॉर्म इन ईयर 1966, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है।
धीरूभाई अंबानी और उनके ब्रदर ब्रदर वर्ड यूज किया चंपक लाल दमानी, ये फाउंडर है। मुक्कूबाई ने बची हुई 3 पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। एंड श्रीकांत वेंकटचारी CFO इनके, याद रखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट टाटा है। इनके धंधे कौन से हैं सर? एक्सप्लोरेशन है, पेट्रोकेमिकल्स है, हाइड्रोकेमिकल्स है, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। 1975 में विमल लेकर आए सर, सबसे पहले याद रखना सर, ये अजय देवगन वाला विमल नहीं है, विमल क्या बोलते हैं दाने दाने में केसर का स्वाद, ये वो विमल नहीं है, विमल टेक्सटाइल ब्रांड की बात कर रहे हैं। नहीं तो तुम बोलोगे बोलो जुबान केसरी, ये वो लेकर आए बेटा, विमल रिलायंस का ब्रांड कौन सा बेटा, विमल टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तुम विमल तंबाकू मत ले आना, बोलो जुबान केसरी कर बैठोगे, मत करना इतनी जुबान केसरी। 30 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है सर, और 1966 में नरोड़ा में इन्होंने एक अपनी टेक्सटाइल फैब्रिक मिल डाली, ये पूछा जा सकता है, नरोड़ा वाला पॉइंट पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा 1975 वाला पॉइंट, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। विमल मेजर ब्रांड बन गई, वो तो तेल लेने जाने दो। 1985 में इन्होंने नाम चेंज कर दिया, कौन से साल में नाम चेंज किया ये नहीं पूछेंगे तुमसे, ऐसा पूछेंगे पहले का नाम क्या था, रिलायंस पहले काय में था, टेक्सटाइल में था, रिलायंस टेक्सटाइल। सर ये DDH के साथ इसने किया, डेन नेटवर्क हाथवे एंड डेटाकॉम के साथ इसने किया, याद रखना रिलायंस DDH। फिर सर इन्होंने 3 लोगों के साथ बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक टाइप करे, पहले तो सबसे पहले इन्होंने एम्बाइप के साथ किया है, BPPLC के साथ किया है, साथ ही साथ सऊदी अरमैको, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका, अरे बाप रे बहुत बड़े हैं सर इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, एम्बाइप के साथ किया है, BP एंड अरमैको, मीबा के साथ इन्होंने किया है। कैसे याद रखोगे सर, रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया, अबे DDH कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें सोचना है क्या होगा सर, रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया सर, रिलायंस मीबा, मीबा यानी M फॉर माइक्रोसॉफ्ट, E यानी एम्बाइप, B यानी BPPLC एंड A सऊदी अरमैको, डेटाकॉम, डेन नेटवर्क, हाथवे। रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया, DDH क्या है तुम्हें पता, डन छे सर, ई कंपनी डन छे। नाउ लेट्स मूव टू लार्सन एंड ट्यूब्रो। सर लार्सन एंड ट्यूब्रो की कहानी बड़ी अजीब है सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो को देखकर आपको बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो ऑब्वियसली सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर होगा और एक कंपनी फॉर्म हुई 1938 के अंदर। इसके फाउंडर कौन है? 2 डेनिश इंजीनियर सर, ये रेफ्यूजी थे सर, भटकते हुए आए थे सर देश में, और आज इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी फॉर्म कर दी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उनके बारे में पढ़ रही है और पढ़ा रही है। तो 1938 में कंपनी फॉर्म हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 2 डैनिश इंजीनियर थे, चेयरमैन है अनिल माणिकबाई नायक, MD है SN सुब्रमण्यम, CEO है SN सुब्रमण्यम, CFO है शंकर रमन। कैसे याद रखोगे सर, देख लो सर, मैं होता तो ऐसे याद रखता, सुब्रमण्यम मणिशंकर मुश्किल है याद रखना, पर आप लिखिए शुभ मणिशंकर। खतरनाक था सर। सर 1938 में कंपनी फॉर्म हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 2 डैनिश इंजीनियर्स इसके फाउंडर थे। अब इसका चेयरमैन कौन आएगा? अनिल मणि भाई नायक मणि। फिर MD और CEO कौन है? शुभ यानी सुब्रमण्यम, और CFO कौन है? शंकर। अब शंकर दो आते हैं आपके पास, ये चीज़ याद रखिएगा, शंकर एक और जगह आते हैं आपके पास, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। आइए सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो इज मेजर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, ये आपने ट्रक वगैरह भी देखे होंगे, ट्रक या कंस्ट्रक्शन वाले केस में भी बहुत देखे होंगे आपने सर, इसके अंदर भी है।
एल एन टी की बहुत चीज़ें आती है सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो माइनिंग के टूल्स भी बनाते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज द मेजर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट विद ग्लोबल ऑपरेशन। एलएनटी एड्रेस क्रिटिकल नीड इन की सेक्टर हाइड्रोकार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोसेस एंड डिफेंस। डिफेंस में भी है ये। कस्टमर इन 30 कंट्रीज। एलएनटी हैज 130 सब्सिडियरीज। नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है ये पॉइंट नंबर 5 से डायरेक्ट पढ़ेंगे सर। अक्टूबर 2019 इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ मेट्रो फ्रेस इन अफ्रीकन आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस। एलएनटी मॉरिशस का है, मॉरिशस में किया है इसने। इनॉग्रेटेड फेज वन मेट्रो एक्सप्रेस इन अफ्रीकन आइलैंड नेशन। क्या जानकर कर लोगे ये तुम पर करना है। एलएनटी ने भैया मेट्रो बनवाई है, कहाँ पर बनवाई है सर, मॉरिशस में। हैव सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी घुस गए सर बनाने का। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट नवी मुंबई। सर नवी मुंबई और मॉरिशस, नवी मुंबई और मॉरिशस में एलएनटी है। कैसे याद रखेंगे सर। शुभ शुभ मणिशंकर ने, शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो से मॉरिशस गए। शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो पकड़ के मॉरिशस गए। सुब्रमण्यम मनी भाई नायक शंकर रमन, मेट्रो का प्रोजेक्ट इन्होंने कहाँ पे लिया है, मॉरिशस में, और मुंबई के एयरपोर्ट की बात है। शुभ शुभ मणिशंकर, शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो पकड़ के मॉरिशस पहुँचे। सर इनके की बिजनेस क्या है, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोकार्बन, आईटी कंसल्टेंट, डिजिटल सॉल्यूशन, मेटालर्जिकल, मेटालर्जी, पावर, लब्बड़ यानी रबर, प्रोसेसिंग मशीनरी, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी सर्विस। अरे बाप रे, इतनी चीज़ें हैं सर इनके पास, पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस तो बहुत बड़ा है। डन, ये याद करवा दिया मैंने आपको, बहुत बहुत सारे बिजनेस में। चलिए अब हमारे पास कुल मिला के कितनी कंपनीज बच जाती है, 9 में से 5 कर लिए, 4 अपन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे करूँगा थोड़ी सी बातें, ठीक है, थोड़ी सी से 5 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चित्र बातें करते हैं बच्चे। हाँ, इसकी भी समरी तो लेनी है ना, पूरे की पूरी 32 कंपनी की समरी लेनी है। रिलायंस ने भीम को डीटीएच दिया। अब भीम क्या है भैया, तृप्ति शर्मा एलैबोरेटेड। सर आज जल्दी क्यों स्टार्ट किया पता नहीं चला, मैंने आपको बोला था एक ही लेक्चर होने वाला है सिर्फ इकोनॉमिक्स का, तो मेरे को सिर्फ रिकैप करवाना था। आज तो मैंने आपको आराम दिया सैटरडे को, मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं किया, कब से चालू है। सर चार्ज बार बार ट्राई कर लिया, व्हाट्सएप पर भी नहीं सेंड हो रही रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। अरे रिलायंस ने भीम को डीटीएच दिया, आप बताइए भीम का मतलब क्या है आपके हिसाब से, अपन चेक कर लेते हैं। देखिए क्रिएटिविटी आ रही है मार्केट में, क्रिएटिविटी घूम रही है।
BHEM. नहीं, ये जैसे मैंने बोल दिया मीबा, याद है, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं. मीबा, मीबा को DDH दिया. सॉरी सुनील सर, ये चैप्टर याद रखते रखते दूसरे सारे चैप्टर, सिर्फ इसको पढ़ना है. मैं एक बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसको पढ़ना है आपको. बस एक बार पढ़ लो, सारे हो जाएंगे. कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि सर 10-12 कंपनी का इकट्ठा ग्रुप, एक क्लब. पे ऐप है. बस चार कंपनी खत्म, क्लास खत्म. सर एक क्विज जल्दी नहीं हो सकता है, नेट खत्म हो जाता है. बचा के रख कल के लिए. बस पॉसिबल नहीं है कल, सबको टाइम ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ ना दोस्त. में मैसेज आया अभी मुझे नीचे से, नीचे से यानी कि मैं ऊपर के फ्लोर पे है ना मेरा. मैं ना थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा, आज या कल टेस्ट का वापस से उसमें डिस्क्लोज करूँगा. साथ ही साथ आपको रूम भी दिखाऊंगा. सर एक काम करो ना, सुबह ले लो. सुबह 12-1 बजे तक तो मेरा अनअकैडमी है, चांस ही नहीं है. सर ये कंबाइंड क्लास सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज अपने पास इकोनॉमिक्स का कुछ था ही नहीं, इसलिए आज किया मैंने. इसके बाद नहीं होगा. सर मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है तो अनुज इट विल वर्क. बताता हूँ मैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कब पैसे डालना है, कब पैसा निकालना है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है. हाँ तो मैं अभी यहाँ ऊपर था, मेरी बहन का मैसेज आ रहा है, नूडल्स खाएगा क्या? तो तुम्हें लगता होगा कि सर की लाइफ कितनी सीरियस चलती होगी, पता नहीं क्या चलता होगा. कुछ नहीं, अभी नूडल्स आ रहा है. अभी मैंने ये भी लिख दिया, मंचूरियन भी बना देना. सारा इंडिया तो बंद हो गई ना? हाँ हो गई है. तो आप हंसे क्यों, मैसेज आया तो? हाँ ना, वही मैंने बताया ना, मैसेज आया फिर नूडल्स खाएगा क्या? हाँ खाएंगे ना, मंचूरियन भी बना देना. साफ करना पड़ेगा मेरे को भाई, तुम लोग आओगे तो साफ करना, मतलब दिखाऊंगा तो साफ करवाना पड़ेगा. अरे हाय क्या बात है. सर खा लो चाउमीन, खा रही हूँ. क्या बात है, पूरा वीसी के कब तक हो? 15 तक टारगेट है मेरा. 15 तक, 15 के बाद नहीं खींचेंगे अपन. 15 के बाद 1 तारीख तक, 15 से लेकर 1 तारीख तक MCQs डेली चलते जाएंगे. पूरा एक MCQ खतरनाक तरीके से रिकॉर्ड होने वाला है. क्या करूँ, निकाल दूँ क्या स्टॉक फिर बाद में नवंबर में वापस? रिलायंस में है तो पैसा पड़ा रहने दे. बाय महिमा. सारा बंद हो गई भाई, कब ऑपरेट कर रही है वो? सारा कहाँ ऑपरेट कर रही है? अच्छा मैं भाई, मेरा नॉलेज में फिर तो है नहीं ये चीज़. भोजन हो चुका है. लॉग लेंस आप मुझे मैसेज करिए और बताइए आपके चैनल पे होता क्या है, फिर मैं करूँ प्रचार प्रसार. MCQ भी लाइव होगा सर. जल्दी जल्दी करो, आप भी खा लो, हम यहाँ सब खा ले लेते. तुम भी खाओ ना, ये ना अकेले अकेले. टेलीग्राम आईडी दो ना बेटा, कोई इसको टेलीग्राम का आईडी दे दो, कोई टेलीग्राम का आईडी दे दो. मुझे नहीं लगता कोई अब रेलेवेंट क्वेरी. चार कंपनी बैक टू बैक निपटा देते हैं, ठीक है? फिर इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, आज नहीं करेंगे, मंडे को सिर्फ इसका रिकॉर्डिंग करेंगे. रिकॉर्डिंग का कंपाइलेशन करेंगे, चलो टेंटेटिवली 1 घंटे का रिकॉर्डिंग का कंपाइलेशन होगा. तब तक आप आपकी सारी की सारी क्रिएटिविटी मुझको भेजेंगे. सेकेंडली कल आपकी टेस्ट है, टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन रेगुलर टाइम 8 से 9, 9:30 से 10:30. डेफिनेटली देयर विल बी प्राइजेस, आप जानते हैं वो तो रहते ही हैं सर. लर्निंग हमेशा रिवॉर्डिंग होगी तो मज़ा आ जाएगा. इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, इतने ही देखने अपने को. अब ये चारों टेक कंपनीज में आती हैं. तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं.
आई नो प्रेक्षा, कंपनी ने बहुत डुबाया, कोई इसको आईडी दे दो बेटा। हाँ जी लेट्स बिगिन, लास्ट 20 मिनट्स लेफ्ट गाइस। इंटेल, इंटेल करता क्या है सर? सर इंटेल करता क्या है, सबसे पहले तो यही नहीं पता हमको। इंटेल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, बेसिकली ये जो प्रोसेसिंग चलती है ना, इंटेल का प्रोसेसर बोलता है। मतलब क्या है सर, आपके कंप्यूटर में 50 एप्लीकेशन चल रही है, ये 50 एप्लीकेशन को राइट कमांड देना और कहाँ पे स्पेस क्रिएट करके वर्क करना। जैसे कि समझो आपके पास एक ओपन पीस ऑफ लैंड है, उस ओपन पीस ऑफ लैंड पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो बोलता है कि भैया तू मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करना, असेंबलिंग वहाँ पे करना, पैकिंग यहाँ पे करना, इस तरीके से अपन अलॉट करते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग चिप्स रहती है इंटेल की, एक्चुअली ये पूरे मदरबोर्ड को, मेरे को भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता, पर ये मदरबोर्ड रहता है। मदरबोर्ड के बाद इसके अंदर एक प्रोसेसर रहता है और जितनी भी एप्लीकेशन रहती है सबको स्पेस देना, मेमोरी अरेंज करना, कितना काम क्विकली करना, काम कैसे लोगों के बीच में बांटना। मतलब तुम एक इसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर समझ सकते हो, सर एक काम करवा के देने वाला है। इसके प्रोसेस दिन भर दिन प्रोसेसर फास्ट होते जा रहे हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, एक तरह से मोनोपोली इंजॉय करते हैं इंटेल के प्रोसेसर। अब जो गेमर्स हैं, गेमिंग करते हैं, उनका आइडिया नहीं है, बट इन जनरल ये मोनोपोली इंजॉय करते हैं। सर एक कंपनी 1968 में फॉर्म हुई, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। यानी हमारे अगर आप कहाँ गए भैया, मुक्कू भाई से कंपेयर करें तो बस वे 1966 में हुआ, इन 1968 में कंपनी फॉर्म हुई, यानी कि मुक्कू भाई के 2 साल बाद। लेकिन ये कंपनी की ऊंचाइयां कुछ अलग ही है। कैलिफोर्निया में ही ये कंपनीज होती है बेटा, जो बैंकिंग हो गई वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे इंटेल कंपनी के फाउंडर थे, रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे। इनके चेयरमैन है एंडी ब्रांड, सीईओ है बॉब स्वैन, सीएफओ है जॉर्ज डेविस। पता कैसे नाम रखते हैं, अब मैं इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर बॉब, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कौन है रे तू? मैं बॉब है। अरे भाई बॉब, इतना छोटा सा ना, पप्पा बड़ा नाम नहीं रखे गए? बॉब, एंडी, गॉर्डन, बच्चों का नाम लगते हैं। जॉर्ज, बच्चों के नाम लगते हैं। जॉर्ज, बॉब, एंडी, गॉर्डन, रॉबर्ट, बच्चों वाले नाम। 43rd है फॉर्च्यून में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट वैल्यूड सेमी कंडक्टर चिप मार्केट, अकेला ही है भैया वर्ल्ड लार्जेस्ट। इन्वेंटर ऑफ x86 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले भी इकलौते ही, लेकिन x86 सीरीज ने सर तहलका मचा दिया था। द कंपनी नेम वॉस, सर इंटेल का फुल फॉर्म देख ले, वॉस कंसीव फ्रॉम द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटेल, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक से निकला है सर ये। The Intel announced that they had agreed $15.3 billion takeover of Mobile and Israeli developer of autonomous driving system. यानी कि सर ये एक ऐसी कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटेल वाले जो ऑटो पायलट ऑटो ड्राइवर मोड पे होगी। In August 16, Intel purchased deep learning startup Nirvana System. In October 15, Intel brought cognitive computing company Saffron Technology at an undisclosed price. Intel Corporation acquired artificial intelligence chip maker Habana Labs. Intel Corporation sold the majority stake of smartphone modem to Apple valuing $1 billion. याद रखिए सर, इसने कौन कौन सी कंपनी के साथ क्या क्या रिश्ते निभाए हैं। सर ये निर्वाणा लेकर आया, सेफ्रॉन लेकर आया, हबाना लेकर आया, एप्पल। इसे याद रखेंगे सर, निर्वाणा का मतलब समझता है तुम लोगों को दोस्तों? निर्वाणा का मतलब समझता है? निर्वाणा यानी कि एक तरह से मोक्ष। इसका तो कुछ नहीं बन रहा बेटा, इसका कुछ नहीं बन रहा, पर मैं इसका बना के दे सकता हूं उसने क्या क्या किया। सर ध्यान से सुनना,
86 एप्पल, 86 सैफ्रॉन एप्पल, सादे एप्पल नहीं थे सर, ये सादे एप्पल नहीं थे, रेड कलर के एप्पल नहीं थे सर, ये सैफ्रॉन कलर के एप्पल थे, 86 सैफ्रॉन एप्पल खा के हबाना को निर्वाणा मिल गया। हबाना नाम की एक लड़की थी जिसने 86 एप्पल खाए सर, 86 सैफ्रॉन एप्पल खाए और उसको मोक्ष मिल गया सर। X86 सीरीज बहुत चली इसकी, ठीक है। इसने क्या क्या लिया भैया, निर्वाणा लिया है, सैफ्रॉन टेक्नोलॉजी, हबाना एंड एप्पल। एक और चीज थी सर उसमें जो मिस हो गई थी, इजरायली कंपनी जो थी मोबिले, वो भी अक्वायर कर ली। अब देखो बन गया सर इसका, सर 1968 में कंपनी फॉर्म हुई, 1968 नहीं पढ़ रहा मैं, हबाना ने 86 सैफ्रॉन एप्पल मोबाइल खा लिए जिससे उसको निर्वाणा मिल गया। एप्पल के साथ मोबाइल याद रखना, हबाना ने 86 सैफ्रॉन एप्पल खा लिए जिससे उसको मोक्ष मिल गया, निर्वाणा। हबाना वाली लड़की को निर्वाणा मिल गया, कैसे मिला सर, 86 सैफ्रॉन एप्पल खा के और मोबिले। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। लास्ट ना, देर आर थ्री मोर कंपनीज लेफ्ट, विल स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। सर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भी एक गजब की कंपनी है, इसकी फॉर्च्यून की रैंक भी बहुत तगड़ी है, 26 नंबर की इसकी फॉर्च्यून रैंक है। चलिए जी, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, इस कंपनी को स्टार्ट हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, ये भी कंपनी 1975 में ही स्टार्ट हुई है, 1975 में। इसके अलावा आपको कोल इंडिया भी देखने को मिलेगा, NTPC भी देखने को मिलेगा, और सर ये एक अद्भुत कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भी देखने को मिल जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 1975 में, अगर बिल गेट्स के इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे तो 1990 में तुरंत इंडिया में कंपनी ले आए। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर, विच इज इन यूनाइटेड स्टेट, और इसको बनाने वाले का नाम आप भूल ही नहीं सकते, पॉल एलन एंड बिल गेट्स। बिल गेट्स सर, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स चेयरमैन है जॉन, सीईओ आपसे जरूर पूछा जाएगा सत्या नडेला, और CFO है इनके एमी होड। एमी होड एक बार आप भूल सकते हैं, लेकिन सर सीईओ आपको याद रखना पड़ेगा, इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं सत्या नडेला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सत्या नडेला। आइए सर अब आपको कुछ तगड़ी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर। सर ये क्या करते हैं, सर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, सर ये सब इन्हीं का है। इट डेवलप, मैन्युफैक्चर, लाइसेंस, सपोर्ट एंड सेल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाते हैं सर, एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर भी आते हैं, आपको पता होगा। बेस्ट नोन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस सूट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर भी है, एज वेब ब्राउजर। MS DOS solidified the company's dominance in 1980. सर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट MS DOS करके जो बनाया था प्रोडक्ट सर 1980s में सर तहलका इन्होंने मचा दिया था, और सर इनके प्रोसेसर सोने पे सर सुहागा, सोने पे सुहागा लग गया था सर 1980s में, जो इन्होंने जो MS DOS बनाया था, DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे सर, जो इन्होंने MS DOS बनाया, साथ ही साथ फास्ट प्रोसेसिंग हो गई, X86 प्रोसेसर से सर खत्म हो गया मार्केट, इन दोनों ने एक तरफा मार्केट उड़ा लिया। ओके सर, इन 2016 लिंक्डइन इन्होंने लिया है। आप लोगों को लिंक्डइन पता है क्या सर, जैसा फेसबुक है, फेसबुक क्या है, आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट कौन, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स कौन बनाता है, लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे लोगों का अकाउंट होता है। अगर आपको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप क्या करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, आप लिंक्डइन पे उसको सर्च करते हैं। तो इसने लिंक्डइन लिया था, और ये चीज़ तो नई भी बताऊँ तो आप लोगों को पता होगी, नोकिया ने टाइप किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और नोकिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को भी एक्वायर कर लिया था सर, स्काइप भी इसलिए देखिए, जब भी आप आपका लैपटॉप खोलेंगे आपको स्काइप उसमें इनबिल्ट मिल जाता है, क्योंकि सर इन्हीं का है, स्काइप भी इन्हीं का है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कि सर इन्होंने नोकिया को एक्वायर किया था, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं सर। लिंक्डइन अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी के नोकिया को याद रखने की जरूरत नहीं है सर, स्काइप भी नहीं का है। अब स्काइप देखिए ऑटोमेटिकली बिल्ट इन रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये MCQ में पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ताइवान, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट US, माइक्रोसॉफ्ट ताइवान जो वहाँ की सब्सिडरी है, उसने KKBOX ग्रुप्स,
अनाउंस द लॉन्च ऑफ केके बॉक्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस टू माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो सर केके बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जिसके थ्रू वो म्यूजिक स्ट्रीम करेंगे, म्यूजिक सर बेचेंगे। अब ये मेरे दिल को छू जाती है बात, ध्यान से सुनिएगा। KPMG एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट $5 बिलियन इन डिजिटल स्ट्रेटेजी एंड एक्सपांड माइक्रोसॉफ्ट अलायंस टू एस्केलेट प्रोफेशनल सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये लोग क्या कर रहे हैं, KPMG $5 बिलियन खर्च कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और एक ऐसा अद्भुत सिस्टम बना रहा है कि तुम बस उसको क्लाइंट के सिस्टम में छोड़ दो बेटा, एक ऐसा वायरस है समझो, तुम उसको क्लाइंट की बॉडी में छोड़ दो, यानी कि सर वो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ऑडिट होकर आ जाएगा। $5 बिलियन खर्चा कर रहे हैं सर इसके लिए, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल करके आप KPMG के सपने देख रहे हो और तब तक उन्होंने ये सिस्टम डेवलप कर लिया हो, क्या करेंगे आप? तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्काइप नहीं याद रहा तो भी चलेगा, लिंक्डइन याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक्डइन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा KK बॉक्स आपसे पूछा जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा, बीट किसने लिया और KK बॉक्स किसने लिया। तो KK बॉक्स के साथ अलायंस किसका हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, नोकिया तो आपको पता ही होगा। बस लास्ट दो कंपनी है फिर खत्म सर अपनी सारी की सारी 32 कंपनी। एप्पल आईएनसी का पुराना नाम था एप्पल कंप्यूटर लिमिटेड आईएनसी, ये कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1976 में स्टीव जॉब साहब ने कंपनी फॉर्म करी थी। वैसे तो इसके अंदर और हैं, स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनैक एंड रोनाल्ड वेन, स्टीव जॉब एंड रोनाल्ड वेन, CEO टिम कुक याद रखिएगा, इनको भूल नहीं सकते, टिम कुक साहब को आज के टाइम पूरी कंपनी यही मैनेज कर रहे हैं, टिम कुक ही मैनेज कर रहे हैं। और लुका मिस्त्री, ठीक है, ये भी आपको नाम आएगा, बार बार नाम याद आएगा। तो एप्पल ये कंपनी ना सबके करीब है, हम इंडियंस के डायरेक्ट करीब है सर ये कंपनी। पहले मैं इसको गालियाँ बहुत देता हूँ, आज भी देता हूँ अगर आप देखोगे, लेकिन ये कंपनी का तोड़ नहीं है सर, बाय एसेट सबसे बड़ी कंपनी है सर। क्या कंपनी का वैल्यूएशन है सर, कंपनी का वैल्यूएशन देखो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है बाय वैल्यूएशन, और खतरनाक कंपनी है। अरे किसी कंट्री की, पाकिस्तान की GDP जितनी नहीं है, उससे ज़्यादा तो भैया कंपनी की नेटवर्थ है। तो ये कंपनी अकेले में जायंट है सर। 2007 में इसने अपने नाम एप्पल कंप्यूटर INC से एप्पल INC कर लिया। 1976 में कंपनी फॉर्म हुई, स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनैक एंड रोनाल्ड वे इन्होंने स्टार्ट करी कंपनी, और इसके CEO हैं। इन बाकी दो लोगों का नाम क्यों नहीं सुनने को मिलता सर, इनको कंपनी पे भरोसा नहीं था, मेजर स्टेक स्टीव जॉब्स के पास ही था। टिम कुक साहब इसके आज के टाइम के इसके CEO हैं, और CFO है लुका मिस्त्री, ठीक है, लुका मिस्त्री। फॉर्च्यून की लिस्ट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, थर्ड नंबर पे आते हैं साहब ये फॉर्च्यून में, यानी कि फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है सर, भाग्य। तो ये भाग्य विधाता है कंपनी सर, ये कंपनी नक्शा पलट देगी वर्ल्ड का, ऐसा बोला जाता है। पढ़ते हैं सर, इनके बिजनेस याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। इट डिजाइन्स, डेवलप एंड सेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज। सर ऑनलाइन सर्विसेज एप्पल प्ले स्टोर भी है, एप्पल स्टोर भी होता है। एप्पल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू। सर आपने तो बोला था कि ये जो था अपना वॉलमार्ट वो है रेवेन्यू, इन्होंने देखो क्या बोला, लार्जेस्ट बाय रेवेन्यू IT कंपनी, तो IT में सबसे बड़ा रेवेन्यू का इसका है। लेकिन IT छोड़ दो, सब में सबसे बड़ा कौन है, वॉलमार्ट है बाय रेवेन्यू, और एसेट में तो यही सबसे बड़ा है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आफ्टर सैमसंग, तो सबसे पहला कौन सा सर, सैमसंग सबसे बड़ा है, सैमसंग के बाद सर आता है अपना एप्पल। मेंटेन 478 रिटेल स्टोर इन 17 कंट्री, छोड़ दो ये काम का नहीं है। ऑपरेट्स द ऑनलाइन एप्पल स्टोर एंड iTunes, तुमको पता है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बेचने वाला ये है, तुम iTunes को जो गाली देते हो सर, इंडिया में भले को iTunes से एप्पल स्टोर से कुछ परचेज नहीं करता होगा, सबसे बड़ा रिटेल म्यूजिक सेलर है। तो तुम दुकानों पे जाके म्यूजिक सीडीज खरीदते हो ना बेटा, ये ऑनलाइन बेचता है सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा। इसने किसको, शजाम, ये भी एक म्यूजिक ऐप है, शजाम भी म्यूजिक ऐप है, इसने इसको एक्वायर किया। कौन एक्वायर करेगा सर, शजाम को यही करने वाला। Shazam has been downloaded by 1 billion time around the world and the users identify sir 20 million गाने, 20 million यानी 2 करोड़ गाने रोज सर्च किए जाते हैं उसके ऊपर। बेसिकली एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूजिक के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि कौन सा है। तो भैया इसका ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी है। 1976 में कंपनी फॉर्म हुई, स्टीव रोनाल्ड इन लोगों ने कंपनी फॉर्म करी, टिम कुक एंड लुका मिस्त्री।
थर्ड है फॉर्च्यून के लिस्ट पे। नंबर वन कौन है सर? नंबर वन छः। नंबर वन कौन छः सर? नंबर वन पे वॉलमार्ट है। अब लास्ट कंपनी हम देख लेते हैं सर, IBM कॉरपोरेशन। सर IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फॉर्मली इसका नाम बड़ा अजीब था, टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी टिल 1924। ये कंपनी 1911 में फॉर्म हुई है और इंडिया में 1992 में आई है, बहुत लेट आई है कंपनी IBM। IBM को याद कैसे रखना, अब ये सवाल आएगा। IBM की ना उपलब्धियां नहीं दी है यहाँ पे, उन्होंने उसकी अचीवमेंट नहीं दी है, मतलब क्या किया कैसा किया ये नहीं, इन्होंने मोस्टली उसके बारे में बताया कि उसने कितने पेटेंट लिए, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले क्या करते हैं, वो कितनी टेक्नोलॉजी निकालते हैं सर हर साल, IBM ये बताते हैं। तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, पुराना नाम था इसका टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी, फॉर्मली नोन एज टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी 1924 तक। तो सर अजीब सा नाम था। 1911 में कंपनी फॉर्म हुई, सॉरी 1911 में कंपनी फॉर्म हुई एंड 1992 में आ गए, ठीक है, 1993 में मैं पैदा हुआ तो बैंक तो खुल गए सर उसके दो साल पहले ये कंपनी आ गई इंडिया के अंदर, कि आदित्य सर को कुछ रिकॉर्ड और टैबलेट करना पड़ेगा ना सर, इसलिए आ गए ये लोग। याद कैसे भी रखोगे देख लेना, ये भी न्यूयॉर्क स्थापित कंपनी है, जिनी गोमेटी चेयरमैन इसकी, जिनी गोमेटी IBM, जिनी गोमेटी। MD है इसकी विनीता नारायण, ये इंडिया की MD है, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाएगा, विनीता नारायण। गोमेटी बोल दिया मैं, रोमेटी है वो, जिनी रोमेटी चेयरमैन है, CEO भी जिनी रोमेटी है, CFO है जेम्स कोवेनॉग। ये तो भूलकर भी याद नहीं रहने वाला तुमको। तो इम्पोर्टेंट कौन से सर? एप्पल कंपनी, नाम भी अच्छे, लूका मिस्ट्री, देन टिम कुक, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद वॉलमार्ट का आपको याद हो जाएगा, बीबी है उसके अंदर सर। उसके बाद सैम वॉल्टन है, ये नाम आसानी से याद हो सकते हैं, ये वाले नाम नहीं याद रहेंगे, लेकिन इसके अंदर आप क्या रखेंगे, विनीता नाम याद रखेंगे आप, इंडिया के हैं सर। ये फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 38 नंबर पे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और मैं आपको बता दूँ फॉर्च्यून 500 में मोस्टली फॉरेन कंपनीज ही हैं। आइए सर करते क्या है ये पढ़ लेते हैं। इट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कंप्यूटर हार्डवेयर मिडलवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑफर्स होस्टिंग एंड कंसल्टिंग सर्विस। सर ये IBM आपको हार्डवेयर भी देगा, सॉफ्टवेयर भी देगा, मिडलवेयर भी देगा। सवाल आएगा सर मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके देती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए मिडलवेयर आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड मिडलवेयर। सर 170 कंट्री में ऑपरेट करती है, सीधी सी बात है, 1911 से चल रही है तो 170 कंट्री में ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट हैज़ अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेटेंट ग्रांटेड फॉर अ बिजनेस। अब इसकी कहानी सुनते जाओ प्लीज़, बस खत्म है सर। अब आप यहाँ पे सुनेंगे कि सर ये क्या धंधा करता है, ये तो समझ में ही नहीं आता, ये धंधा क्या करता है सर ये तो समझ में नहीं आता, पर ये पेटेंट अक्वायर करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ रोज नया ये पेटेंट बनाता है। पढ़िए अब इसके बारे में। इट इज़ अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेटेंट ग्रांटेड बाय अ बिजनेस। सर सबसे ज़्यादा पेटेंट इसी के पास है, IBM के पास। इन्वेंशन बाय IBM इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है सर, ATM लाने वाले ये, PC लाने वाले ये, फ्लॉपी डिस्क लाने वाले, फ्लॉपी डिस्क देखिए मैंने मेरे ज़माने में देखी है, हार्ड डिस्क ड्राइव लाने वाले ये, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड लाने वाले ये, रिलेशनल डेटाबेस, जब आप इंटर में आएंगे आप रिलेशनल डेटाबेस सीखेंगे, SQL प्लानिंग लैंग्वेज, UPC बारकोड लाने वाले ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम DRAM लाने वाले ये। तो सर आप इनको भले समझेंगे छोटा, माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए सॉफ्टवेयर लेकर आता है, सेमीकंडक्टर आपके लिए इंटेल लेकर आता है, पर सर सॉफ्टवेयर डालोगे किधर, प्रोसेसिंग करोगे किधर, बना के तो ये देता है सर, ये है वो जो ज़मीन प्रोवाइड करता है। अरे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट क्या देगा, सॉफ्टवेयर देगा, प्रोसेसिंग कौन करवाएगा उस पर, इंटेल, लेकिन सर जगह कौन देगा, सर ये देगा PC फ्लॉपी डिस्क ATM, सर खतरनाक है ये। IBM एंटर्ड इंडिया इन 1992 विद टाटा, नेम टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर टाटा के साथ आए थे, आपको पता है 1911 में कंपनी फॉर्म हुई, 1992 में इंडिया में आ गई, टाटा सर टाटा के साथ ये वेंचर लेकर आए। टाटा का इतिहास रहा है कि सर ये टाटा जनरली ये चीज़ों को लेकर आता है सर, बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2017 इन्होंने अजाइल 3 सॉल्यूशन एंड
रैवी टेक्नोलॉजी एक्वायर किया, अजाइल। ये अजाइल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको SQL समझ में आएगा। ये QL का मतलब होता है कि क्वेरी लैंग्वेज होती है, कि अपन किस तरीके से पूछते हैं और वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कंप्यूटर भी बात करता है अपने से, तो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू बात करता है। अचीव क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, नॉट इम्पॉर्टेंट। अक्वायर सानोवी टेक्नोलॉजी, इन्होंने अजाइल, रेवी और सानोवी को अक्वायर किया। IBM एक्वायर्ड लोम्बार्डी, सर लोम्बार्डी को भी अक्वायर किया। IBM acquired Red Hat in 2019, सर इन्होंने Red Hat को भी अक्वायर किया। Received in 2014, सिर्फ 2014 में received 9,262 US patent, जिसमें इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था। सर एक साल के अंदर 9,262 पेटेंट उठाए इन्होंने, दिन रात पेटेंट ही करते रहते हैं। 27 साल से सर सबसे ज्यादा यही पेटेंट जीत रहा है, ऐसा लग रहा है अकेले ही रेस में भाग रहे हैं सर। IBM was granted patent across AI, blockchain, cloud computing, quantum computing and security. IBM inventor from India received 900 patents. Sir, 900 patent India अकेले ने उठा के दिए इनको। इसका कुछ बनता है क्या? अजाइल, रेवी, सानोवी, रेड हैट एंड लोम्बार्डी, इसका कुछ बनता है तो आप मुझे बताएंगे। सर हमने डेटा कंप्लीट किया, अब इसको याद कैसे रखना है? मेजर सवाल नहीं, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको इसको सिर्फ रीड करते जाना है, डेटा को रीड करते जाना है। सर क्या डेली सारा डेटा रीड करना है? नहीं, डेली आपको सिर्फ 5 कंपनी का डेटा करना है। सो विद दिस स्पीड यू आर गोइंग टू कवर टेंटेटिव 6 दिन में आपका रिविजन हो जाएगा, यानी हर हफ्ते कंपनी का आप डेटा एक बार रीड करेंगे। नाउ देयर इज अनदर ट्रिक टू रिमेंबर दिस, अनदर ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज टू सॉल्व द MCQs गिवन बाय ICAI। बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 6 में से एटलीस्ट, चले 6 नहीं, अपन थोड़ा वेटेज इसको ज़्यादा दे देते हैं कुछ सेकंड के लिए, अज्यूम करते हैं कि इसका वेटेज आ रहा है लेट से 8 मार्क्स का। 8 में से एटलीस्ट 4 MCQ स्ट्रेट अवे ICAI के मॉड्यूल से आएंगे, तुम आँख बंद करके ले लो, आ जाएंगे। किस्मत खराब रही तो बात अलग है, बचते हैं 4। अब ये 4 के अंदर से ना एटलीस्ट 2 तो तुम अपनी मेमोरी के बेसिस पे सॉल्व कर लोगे बेटा, मेमोरी के बेसिस पे, कि यहाँ देखते समझ में आएगा लुक्का किसका आदमी है। सर लुक्का एप्पल का आदमी है। हवाना किसने लिया, निर्वाना किसने लिया, सर मीबा किसका है, ये सारी चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाएगी। बच्चे में 2 के लिए इतनी मेहनत करना है या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर आता है, सिंपल सी बात है। पूरा का पूरा चैप्टर क्यूमुलेटिवली इतना ही है, ये मैं आपको रिवाइज करवा के दूंगा 1 घंटे के अंदर। मेगा रिकैप, मेगा रिविजन, जिसमें मैं कुछ याद नहीं करवाऊंगा, सिर्फ रीड करूंगा। चाहे तो आप हफ्ते में उसको एक बार सुन लीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैंने जो जो ट्रिक्स बना के दी बस उतना रीड करते जाऊंगा, नथिंग आई विल एक्सप्लेन कि ये बड़ा है सर, ऐसे याद करो वैसे याद करो, नो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड इट आउट इफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर हफ्ते में आपको सिर्फ एक बार रीड ही करना है तो मैं आपके लिए वो भी करके दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली वही करने वाले हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ASRSLR, ये याद करिए, देखिए कैसे होता है। इसको लिंक करिए IBM के साथ, कैसे तो भी आई वर्ड भी अटैच करना है तो आप आई वर्ड भी इसमें अटैच कर सकते हैं, जी वर्ड अटैच करना है जिनी रोमैटी, या फिर वी भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हम कैसे मेमोरी टेक्निक बनाते हैं, देखिए ए यानी कि अजाइल थ्री है सर, इनके पास रैवी सोल्यूशन, सानोवी, लोम्बार्डी और आर स्टैंड्स फॉर रेड हैट, आई स्टैंड्स फॉर IBM, जी स्टैंड्स फॉर जिनी रोमैटी एंड विद्या। इतने वर्ड यूज़ करके आपसे अगर कुछ बन रहा है तो डेफिनेटली आप बना के मुझे बताइए, सारे वर्ड लिंक्ड है, रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जवाब मैं देता हूँ आपका, सर जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उसका क्या करना, जवाब सुनिए। एग्जाम से एक दिन पहले मेरा आपको अपडेट का एक शीट आएगी, जिसमें जितने अपडेट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे फर्स्ट थिंग। सर अगर एग्ज़ाम में अपडेटेड नाम नहीं आया तो पुराना नाम, अपडेटेड नाम आया तो अपडेटेड नाम, सर दोनों आए तो नया वाला नाम, क्योंकि नया नाम डालने के पीछे इंटेंशन ही वही होगा। पर मैं आपको बता दूं ऐसा होता नहीं है, ICAI की मॉड्यूल में जो है वही नाम आएंगे, चाहे वो आउटडेटेड नाम है तो भी। डन, अब आपको कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।